नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल में। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। प्राची, कृष्णा, सुप्रिया, विवेक, चित्रांश, मुदित एंड many others, welcome to the class, welcome to the session. Good evening everyone, good evening. सबसे पहला सवाल ये रहेगा आप सभी लोगों से, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो, अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो शुरू करें? चलिए भाई साहब, कहानी कुछ ऐसी है। पहला सवाल जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपको पोल मिलेगा, यस और नो में पोल जाएगा, ठीक है? यस और नो में, ठीक है? सवाल ये है मेरा, हाफ ईयरली हुए कि नहीं हुए? ठीक है, फटाफट से मुझे बताओ कितने लोगों के हाफ ईयरली हो गए हैं, कितने लोगों के नहीं हुए? कल भी होने वाला है तो बोलना हाँ नहीं हुए। यस वाले बोलेंगे हो गए हैं, तो मुझे उससे आइडिया लग जाएगा। देखो, प्लानिंग पूरी थी, 1 सितंबर से हमारा रोड मैप में हम यही शुरू करने वाले थे। थोड़ा सा लेट है, देर आए दुरुस्त आए। तो यहां से शुरू करते हैं। हाफ ईयरली कितने बच्चों के हो गए हैं? पोल आया? अभी नहीं आया पोल। कहां है? नो पोल दिख रहा है? ओके, 76% बच्चे ये कह रहे हैं कि अभी हाफ ईयरली नहीं हुए। ठीक है, तो हाफ ईयरली नहीं हुए तो फिर क्या करना है? फिर ये काम करना है कि इधर ध्यान देना है। वन शॉट रिवीजन सीरीज में मैं क्या करवाने वाला हूं देखो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग वो पैटर्न फॉलो करते आ रहे हो कि मैं आपको रोड मैप देता हूं और सिस्टमेटिकली पढ़ते चल रहे हैं। हमारा टारगेट है कि दिसंबर के पहले पहले इन सारा सिलेबस, मतलब नवंबर एंड तक की कोशिश करेंगे कि सारा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर धुआंधार तरीके से रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि सबसे ज्यादा नंबर सोशल साइंस में लाओगे, ठीक है? अब तो और ज्यादा मेहनत करेंगे और अगर 100 से ज्यादा नंबर आ रहे होंगे तो वो भी लेके आएंगे, ठीक? तो शुरू करते हैं वन शॉट रिवीजन सीरीज। पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज अभी मुझे पता, अभी तो 1400 बच्चे और भी बच्चे बहुत सारे सेशन ज्वाइन करेंगे, धीरे धीरे उठ उठ के आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो, पॉइंट ये सेशन मेरे लिए नहीं है, ये सेशन आप लोगों के लिए है। अब ये जो अगले 10 दिन तक हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा हमारा वन शॉट रिवीजन सीरीज चलाएंगे। जैसे आज चैप्टर है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, आगे आगे आने वाले 10 दिनों में ये सारे चैप्टर रहेंगे। तो ये सारे 10 चैप्टर जो होंगे, तो इन क्लास 10th की भी बात कर रहा हूं, 9th की क्लास रहेगी 8:45 पे। तो ये जो आगे आने वाले 10 दिन रहेंगे, इन 10 दिनों में आप कौन किस पोजिशन पे है? सब कुछ पढ़ लिया है, पूरा रिविजन कर लो। कुछ नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ के इतना खत्म करो, आगे की चीजें उठाते हैं हम, मतलब आगे से कैच करना। कब से? 1 अक्टूबर से, जब जिस तरह से फिर मैं आपको अगला रोड मैप देते चलूंगा तो वो वहां से कैच करना, ठीक है? तो कोई किसी भी पोजीशन में हो, हर एक स्टूडेंट के लिए यही कह रहा हूं मैं, हर एक स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं कि देखो, यू हैव टू पुश योरसेल्फ। अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, साथ मिलकर एक लेवल पे आके फिर शुरू करेंगे। एंड आई गारंटी यू क्या कि सबसे ज्यादा नंबर एसएसटी में लाओगे, ठीक है? तो ये टाइम टेबल है। कल हमारी क्लास हुई। अब अगले 10 दिन तक कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे बता दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो उससे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे कब क्या आने वाला है। ये 10 दिन का चैलेंज है। तो राम राम भाई सारिया ने, 10 डेज वन शॉट रिविजन वाला ये जो हमारा चैलेंज है, इसको लो। 10 दिन तक मेहनत करो और फिर रिजल्ट देखो। फिर क्योंकि अब जब अक्टूबर आएगा तो फिर वहां से आप कैच कर लोगे, आप किसी भी पोजिशन पे हो। शुरू करें? ठीक है, शुरू करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थैंक यू वेरी मच हर उस चीज के लिए। अब देखो, मैं बोलते रहूंगा, मतलब हम तो सितंबर यहां से शुरू कर रहे हैं, हमारे यहां तो ऐसे ही होता है। आज से सितंबर शुरू हो रहा है। अब देखो, क्या छोड़ दिया, क्या पकड़ लिया, सब बातें चली गई है आगे। एक नया सवेरा, उस नए सवेरे को वेलकम करते और आगे बढ़ते हैं। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर है हमारा। देखो, सब्सिक्वेंटली मैं आपको विद टाइम क्या करते चलूंगा, देखते चलूंगा, आपके चैट में मैसेज लेते चलूंगा, पर इधर फोकस पूरा यहां पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर इधर चल रहा है, ठीक है। टाइम टाइम पे मैं आपके क्वेश्चंस भी लेते रहूंगा, तो अभी हम शुरू करते हैं। आप इधर ध्यान देना, मैं भी इधर ध्यान देता हूं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री का क्लास 10 का पहला चैप्टर। चैप्टर बड़ा मजेदार है। 20 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा हिस्ट्री है ना, 20 नंबर का। उस 20 नंबर के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 और 2, ठीक है, अपने आप में बहुत वेटेज रखते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि 3 समय बुरी स्थिति में, क्योंकि 3 का चैप्टर जो है बहुत सारा पोर्शन काट दिया है। 4 और 5 जो है, तो 4 में से 4 आना नहीं है। कहां पे? बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में रहेगा चैप्टर 5। तो 1, 2 और 5, 1, 2, 5 ये 3 चैप्टर में आपका मेजर पार्ट आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। इजी है, ठीक है। तो 1 to 5 में मेजर पार्ट आने वाला है। तो अगर जैसे देखें तो हम 1/3 ऑफ द बोर्ड एग्जाम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स। आगे अगर तो ये चैप्टर में है क्या क्या? दी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप कोई एक देश नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है। तो हम पूरे कॉन्टिनेंट में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को देख सकते हैं? तो वो स्टार्ट होती है फ्रांस से, और आपको क्या देखने को मिलता है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आता है, जैकोबिन क्लब वगैरह बनते हैं। क्लास 9 का थोड़ा सा रिकॉल करो। उसके बाद में क्या होता है? नेपोलियन आता है। नेपोलियन रेवोल्यूशन को दबा देता है, लेकिन फिर भी नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिविल कोड ऑफ 1804 वगैरह नेपोलियन का, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। आप रिकॉल करते चलना, जिनने सारा सब कुछ पढ़ लिया है रिकॉल करते चलना, ठीक है। एरिस्टोक्रेट्स, न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, रेवोल्यूशनरीज और रोमांटिसिज्म, ये क्या है? तो इस चैप्टर की अगर एक बहुत अच्छी विशेषता मैं आपको बताऊं ना, ये चैप्टर 2 हिस्सों में चलता है। कैसे? एक चलती है स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन ऐसी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और उसी चैप्टर में पैरेलल में एक चल रही है आइडियोलॉजिकल लाइन, ठीक है। तो आइडियोलॉजी जो है, तो इस चैप्टर में एक आइडियोलॉजी चल रही है। वो आइडियोलॉजी में क्या आएगा? तो उस आइडियोलॉजी में जैसे अगर आप देखोगे तो ये लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, रोमांटिसिज्म, फाइन, नेशनलिज्म, रेवोल्यूशनरीज, तो ये सारी की सारी एक आइडियोलॉजी है। तो 2 चीजें पैरेलल चल रही है इस चैप्टर में। गॉट इट? बताओ, गिव मी अ थम्स अप। तो 2 चीजें पैरेलल चल रही है इस चैप्टर में, तो दोनों चीजों को समझते चलेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग आइडियोलॉजीज को पढ़ेंगे। फिर जैसे एज ऑफ रेवोल्यूशन में कहानी फिर चालू होती है हमारी, क्या कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आता है 1830 में, जर्मन फ्रांस में रेवोल्यूशन आता है, बेल्जियम और नीदरलैंड वगैरह जो है वहां पे इंपैक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद में यूनिफिकेशन जर्मनी का होता है, इटली का होता है, ब्रिटेन का होता है। तो वो पूरी कहानी चल रही है। साथ ही साथ नेशन को आप विजुअलाइज करते हैं, और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वाला जो टॉपिक है तो उसमें देखते हैं कि कैसे नेशनलिज्म से बढ़ के जब इंपीरियलिज्म हो गया तो इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये बड़ा कसा हुआ चैप्टर, ये चैप्टर की रूपरेखा, समझ गए? ये बड़ा कसा हुआ चैप्टर, ये है चैप्टर की रूपरेखा। शुरू करते हैं इस तस्वीर के साथ। ये पेंटिंग किसने बनाई थी इन द चैट? तो यही लिखा है सामने, फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है। ये जो एक प्रिंट है जो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, ठीक है। फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरियो, ठीक। तो इस इमेज में उन्होंने क्या बताया कि पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस, ठीक है, ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। किस तरफ मार्च कर रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, ये क्या है? ये अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट बियर करी है, दूसरे हाथ में क्या है? सिटीजंस चार्टर रखे हुए हैं। फोरग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा कि डेस्पोटिज्म जो है, ठीक है, मोनार्क्स जो रहे हैं तो उनके जो सिंबल्स हैं वो शैटर्ड हैं, टूटे हुए पड़े हैं, जैसे मुकुट वगैरह देखने को मिल रहा है। और ये चीज क्या दर्शाती है? ये चीज ये दर्शाती है कि ये जो फोरग्राउंड में सारी चीजें पड़ी है, ये दर्शाती है कि एक एरा का एंड हो रहा है, ठीक है। लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये सारे आइडियाज इमर्ज हो रहे हैं। फाइन। तो ये इमेज के थ्रू वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, ठीक है, बहुत सारे स्टेट जैसे इसमें जो लाइन में लगे हुए हैं, तो आप मान लो क्या स्विट्जरलैंड और अमेरिका उस समय तक आजाद हो गया था 1848 तक। लाइन में पैरेलल में फ्रांस है, फ्रांस के पीछे जर्मनी है, तो जर्मनी के पीछे इटली है। तो ये सारे देश जो लगे हुए आ रहे हैं, तो ये आजादी की तरफ, लिबर्टी की तरफ, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वाइड जो इमेज क्रिएट हुई थी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो है, तो दे आर इन प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। मॉडर्न स्टेट्स तो थे, मोनार्कीज के अंडर में भी मॉडर्न स्टेट थे कि हाँ, उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिया था, लेकिन वो लोग एकजुट होने लगे, एक कॉमन टेरिटरी को अपना हिस्सा मानने लगे। वहां जैसे फ्रांस है तो फ्रांस क्या है? फ्रांस राजा के टाइम पीरियड में भी मॉडर्न हो गया था, लेकिन जब फ्रांस के लोगों ने अपने आप को फ्रांस का हिस्सा मानना शुरू किया, तब उन्होंने नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट रिकॉल किया, ठीक है। तो वो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर से नेशन स्टेट्स की जो फॉर्मेशन थी, वो जो लोगों के दिमाग में राष्ट्रवाद पैदा हो रहा था, उस चीज को दर्शाया इस इमेज से फ्रेडरिक सोरियो ने। और ये क्वेश्चन भी बनता है फ्रेडरिक सोरियो की इमेज का, ठीक है। क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, यहां तक अगर चीज समझ में आ गई है तो अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में हम उठाते हैं, तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, रीजन बीइंग मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में चैप्टर पढ़ा दिया है, हाफ ईयरली के हिसाब से आपको रिवीजन करवाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते चलना है। तो जैसे फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, व्हाट इज द आइडिया गिवन इन दी पेंटिंग क्रिएटेड बाय फ्रेडरिक सोरियो, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरियो कहाँ के थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो है वो ध्यान रखना है, गॉट इट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब दो चीजें और हो रही है, आपको इस सेशन से क्या मिलेगा, ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो ये क्रिस्प है, प्रिसाइज है, छोटे हैं, इन नोट्स की मदद से आप रिकॉल कर पाओगे चीजों को, कैसे रिकॉल कर पाओगे, जैसे एक एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, उसमें बस इतना लिखा है मैंने, द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, तो जो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में होगा ना, तो वहां पे चिंगारी का काम फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहली बार नेशनलिज्म का बीज जो है वो यूरोप में लगाया गया था, कैसे, तो आप देखेंगे कि अभी तक सारे देशों पर मोनार्क्स रूल कर रहे थे, पहली बार फ्रांस की जो जनता थी उन्होंने आवाज उठाई, वो एकजुट होना चाहती थी, वो अपने लिए राष्ट्र बनाना चाहती थी, नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे, और उनके उस प्रयास से आपको क्या देखने को मिलता है, उनके उस प्रयास से आपको देखने को मिलता है कि पहली बार पावर जो है पीपल के पास में आती है, ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो था, जो अभी तक मोनार्क रूल कर रहे थे, उनका विध्वंस होता है और पावर लोगों के पास आती है, ठीक है। अब देखो क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, 14 जुलाई 1789 टू बी मोर प्रिसाइज। इस रेवोल्यूशन के बाद में क्या बदलाव आया, इस रेवोल्यूशन के बाद में यह बदलाव आया कि जनता के हाथ में पावर आ गई थी, कि सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है, जनता ने पावर ले लिया अपने पास, ठीक है। अब लोगों ने पावर अपने पास ले ली थी, पावर लेने के बाद में, ठीक है, दो चीजें हैं, एक आजादी पा लेना और लोगों को उस आजादी का हिस्सा बना लेना, ठीक है, देश बना लिया आपने, लेकिन देश के अंदर वो देश वाली भावना पैदा करना, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो वो दो अलग अलग चीजें हैं। अब वो दो अलग अलग चीजें जो थी, तो यहां पे सवाल वही आ रहा है कि क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज अ मेजर चैलेंज, अलर्ट, क्या कि क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज अ मेजर चैलेंज, सो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच पीपल, या फिर व्हाट स्टेप्स वर टेकन इन द फ्रांस, ठीक है, इन फ्रांस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। इस तरह से अगर सवाल आएगा तो वो आपको ध्यान रखना होगा, वो आपको ध्यान रखना होगा अगर इस तरह से सवाल आएगा तो, क्योंकि वो सवाल आता है एग्जाम में, रिपीटेटिवली आता है। अगेन, हो सकता है जिन लोगों के अभी हाफ ईयरली एग्जाम हो, आपके स्कूल में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगी फ्रांस में क्या कदम उठाए गए, ध्यान करेंगे, रिकॉल करेंगे एक एक से। क्या, जैसे द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ला सिटियन वर एम्फसाइज्ड, मतलब फादरलैंड एंड सिटीजंस का आइडिया दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था, रिप्लेसिंग दी रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। कौन से तीन कलर थे, इन दी चैट कौन से तीन कलर थे, तो ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद क्या देखोगे, जो स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, ठीक है, तीन कलर बता रहा है कोई मुझे, जो स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, तो स्टेट जनरल की मीटिंग को खत्म करके अब क्या कर दिया गया था, नेशनल असेंबली, वेरी गुड, ब्लू व्हाइट और रेड, ब्लू व्हाइट रेड, तो फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, स्टेट जनरल की मीटिंग को रिप्लेस करके नेशनल असेंबली बना दी गई, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, ठीक है, जो मैट्रिक्स थे दे वर कॉमेमोरेटेड, जो शहीद हो गए थे उनको बताया गया कि इन्होंने देश के लिए क्या है, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे एक तरह से, ठीक है। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया गया और ड्यूज जितने भी थे उन सबको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया गया, जो रीजनल डायलेक्ट्स थी, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, उन सबको डिस्करेज करके फ्रेंच बिकेम दी कॉमन नेशनल लैंग्वेज। ये रहा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन और उसका आंसर मिला, बनेगा अगर एग्जाम में आता है तो बताओ, मैं आप सभी को सुनूंगा, लेकिन उस सारी चीजों से ज्यादा जरूरी यह है कि पहले चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट के साथ में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो जब ये फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया तो इसका पूरे यूरोप पे क्या इंपैक्ट पड़ा, पता है तुम्हें, फ्रांस में रिवॉल्यूशन मतलब यूरोप में बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। क्या कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे तो उन्होंने अपने ऊपर स्वयं जिम्मेदारी ले ली, क्या कि अभी हमारा बर्डन है कि जैसा हमने फ्रांस में बदलाव लाए, पूरे के पूरे यूरोप में दी आइडिया ऑफ लिबर्टी और नेशनलिज्म है, इन आइडियाज को स्प्रेड करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंच आर्मी जो है चल पड़ी, जगह जगह क्या किया, जगह जगह जैसे देखते मोनार्किस को हराते चले गए, ठीक है। और फ्रेंच आर्मी वॉज हेडेड बाय नेपोलियन। तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। नेपोलियन ने पावर में आने के बाद में क्या किया, नेपोलिक कोड इंट्रोड्यूस किया। तो अब वो सक्सेस था या फेलियर वो भी समझते हैं 2 मिनट में। तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलिक कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस किया। नेपोलियन ने पावर में आने के बाद में, ठीक है, नेपोलिक कोड इंट्रोड्यूस किया। उस नेपोलिक कोड को सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता था, ठीक है, 1804 का सिविल कोड भी कहा जाता था, नेपोलिक कोड को ही। अब इसके अंदर किया क्या था नेपोलियन ने, तो नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया, he did away with all the privileges based on birth, established equality before law and secured the right to property। सारे जितने भी प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ थे उनको खत्म कर दिया कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई राजा क्या पैदा हो रहा था ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई पैसे के हिसाब से फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट चलता था, सब खत्म, ठीक है। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, अब जो बिजनेसमैन वगैरह है वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर खुद अधिकार रख सकते हैं और उनसे कोई भी गवर्नमेंट मतलब सरकारें जो है मोनार्क्स वगैरह वो प्रॉपर्टी नहीं छुड़ाएंगे, ये चीज लाया, ठीक है। सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। पहले क्या चलता था, एक राजा, उसके अंडर में क्या बहुत सारे सामंत बैठे रहते थे, तो ये सामंतवाद वाला सिस्टम खत्म कर दिया। पीजेंट्स और सर्वडम्स जो थे उनको मैनोरियल ड्यू से फ्री कर दिया। मैनर होता था मतलब वो व्यक्ति जो टैक्स कलेक्ट करता था, जो एक तरह से क्या करता, सारे किसानों से बोलता था चलो ठीक है हफ्ता निकालो, तो वो मैनोरियल ड्यूज खत्म कर दिए, ठीक है। टाउन्स में भी जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी उसको रिमूव कर दिया। गिल्ड मतलब क्या कि आप ग्रुप बना सकते थे ट्रेडर्स वगैरह। फाइन, रिवीजन सेशन है तो मैं आपको पॉइंट दे देके रिकॉल करवाते चल रहा हूं, क्लियर हुआ। आगे क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंप्रूव। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर दिया नेपोलियन ने, भाई साहब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसे इंप्रूव करा कि अब नेपोलियन ने क्या करा, अब नेपोलियन ने रोड कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया था, ठीक है। साथ ही साथ अब कम्युनिकेशन को ये मत बोल देना कि 5G नेपोलियन ने लाया, नहीं, ठीक है। तो उस समय पे जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थी उनको बेहतर करने की कोशिश करी, ठीक है। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। और ये जो नया नया फ्रीडम मिल रहा था कि नेपोलियन आया, हमारे मोनार्क को चट से दिया, ठीक है, उसने अपना सिस्टम इन प्लेस इंटैक्ट किया, एस्टैब्लिश किया, तो शुरुआत में लोगों को मजे आ रहे थे, वाह, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो गया। लेकिन आपको यहां एक चीज समझना होगी, क्या यहां एक चीज समझना होगी कि इसका आउटकम मिक्स्ड था। इनिशियली पीपल परसीव्ड नेपोलियन एज द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, कि नेपोलियन आया लिबर्टी लाया, लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज हुआ क्या कि पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड मॉडर्न चेंजेस बोथ डज नॉट गो हैंड इन हैंड, ठीक है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। नेपोलियन आया, मॉडर्न चेंजेस लाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेपोलियन हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम खा गया। क्यों? क्योंकि अब हम नेपोलियन के गुलाम हैं। फ्रेंच आर्मी में फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहे थे कि आप स्विट्जरलैंड पे कब्जा किया नेपोलियन ने, तो स्विट्जरलैंड के लोगों को बोलेगा चलो फ्रेंच आर्मी की तरफ से लड़ो तुम। स्विट्जरलैंड का आदमी बोलेगा कि यार मेरा तो इनसे कोई भाव ही नहीं है ना, भाव नहीं इन द सेंस कि अब आपको अगर बोल दिया जाए कि चलो कल से तुम क्या करना, कल से तुम एक काम करना, वेस्ट इंडीज की टीम से क्रिकेट खेलना, तुम बोलोगे वो तो ठीक है क्रिकेट मुझे पसंद है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम से क्यों खेलूं, इंडिया जीत गया, ठीक है। तो केस समझ में आ रहा क्या है, तो वहां पे लोगों के अंदर भाव नहीं था। फोर्स रिक्रूटमेंट, इंक्रीज सेंसरशिप, टैक्सेशन, इसके चलते जो आप देखेंगे ना दो रिएक्शन था लोकल पॉपुलेशन का फ्रेंच रूल के टुवर्ड्स, वो मिक्स था, ठीक है। दोज हु वेलकम्ड फ्रेंच आर्मी इनिशियली, ठीक है, अब उनको समझ में आ रहा है कि हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम और मॉडर्न चेंजेस बोथ आर नॉट गोइंग हैंड इन हैंड, समझ गए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या है कि पहले ग्रुप बनाने पे रिस्ट्रिक्शंस थी, अब वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी गई। नेपोलियन ने बोला ग्रुप बनाओ, टीम बनाओ, ठीक है, टीम अप करो, बिजनेस करो। नेपोलियन ने वो, इसलिए उसे मॉडर्नाइजर भी कहा जाता कि ही वॉज वे अहेड अकॉर्डिंग टू हिज टाइम, ठीक है, वो अपने समय के हिसाब से काफी आगे का सोच पा रहा था, ठीक है। चलो, तो ये सिविल कोड ऑफ 1804 आ गया। अब देखो कहानी, मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि चैप्टर दो तरह से चल रहा है। एक है चैप्टर की स्टोरी लाइन। चैप्टर की स्टोरी लाइन में क्या देखा आपने कि 1789 में, ठीक है, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, बोलो यस, ठीक है, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में नेपोलियन पावर में आता था, जैसे देखेंगे 1799 98 के टाइम से नेपोलिक वॉर्स चलती है। नेपोलिक वॉर्स के बाद में नेपोलियन पावर में आता है। 1804 में नेपोलियन क्या कर देता है, नेपोलिक कोड इंट्रोड्यूस कर देता है। नेपोलियन एंजॉय कर रहा है अभी, ठीक है, अपनी पीक पे है। हर व्यक्ति का पीक आता है, डाउनफॉल होता है, ठीक है। तो वैसे क्या होता है कि नेपोलियन जो है तो अभी अपनी पीक पे था, नेपोलियन पीक पे था, अब नेपोलियन क्या है पीक पे था, और 1815 जब आएगा तो नेपोलियन को पकड़ के पटक दिया जाएगा, किसके द्वारा, कंजर्वेटिव्स के द्वारा। तो ये कहानी ये चल रही है हमारी, हाँ अभी यहां तक पहुंचे कहानी में। अब इस कहानी के बीच में बताया कि आइडियोलॉजीज भी चलती रहेगी। तो अब आइडियोलॉजीज की अगर हम बात करें तो आइडियोलॉजीज में क्या हो रहा है कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में इस तरह से फ्रांस से पहली चिंगारी मिल गई है। लेकिन आपको समझना होगा कि फ्रांस एक छोटा सा हिस्सा है यूरोप का, बाकी के यूरोप में तो अभी भी वही झांझ बज रही थी। कैसी? तो बाकी का जो यूरोप था वहां पे कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, पीपल वर नॉट यूनाइटेड इन एनी सेंस, ठीक है। अलग अलग भाषाएं बोलते थे लोग, अलग अलग मतलब रीजनल स्टेट्स थे, रीजनल वेरिएशंस थे, अलग अलग लैंग्वेज थी, एम्पायर्स थे और कल्चर थे। लोग राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे, लोग क्या थे, लोग एक तरह से आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, एक एम्पायर के अंडर में बंधे हुए थे। तो अब सवाल यहीं पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे जैसे अगर आप देखेंगे तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो है इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, घबराना मत। नेपोलियन नेपोलिक कोड पे क्वेश्चन बनता है, तो मैंने आपको स्पेसिफिक स्लाइड में सारे पॉइंटर्स के साथ देते चल रहा हूं। ये वाला जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो एक तरह से एक्सप्लेनेशन के लिए, वो इनसाइट के लिए, क्या कि जब इतनी डाइवर्सिटी थी यूरोप में देयर वर नो नेशन स्टेट्स, तो वो नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आई कैसे, क्यों? क्योंकि एग्जांपल दिया जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर जो था तो उसके नॉर्थ के पार्ट में क्या है, लोग अलग भाषा बोल रहे हैं। जो बोहेमिया वाला रीजन था, स्वीडेनलैंड वाला रीजन था, लोग वहां पे अलग भाषा बोल रहे हैं, वहां पे अलग कल्चर है। तो इतनी डाइवर्सिटी में लोग आपस में एकजुट कैसे हुए, दिस इज द क्वेश्चन, और वही हमें समझना होगा। क्या? तो वहां पे जैसे अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि देन हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स इमर्ज, तब हमें समझना होगा कि उस समय लोग सोच कैसे रहे थे। क्या आपकी सोच यहां तक पहुंच पाई है? हिंदी चैट जस्ट लेट मी नो, क्या आपको यहां तक क्लियर है? ला पैट्रिया ला सितियोन जो है, तो ला पैट्रिया मतलब दी फ्रेंच फादरलैंड, ऐसा जैसे हम बोलते भारत माता तो उन्हें फ्रेंच पिता, ऐसा वो नोशन डेवलप किया ला पैट्रिया, ठीक है। और ले सितियोन का मतलब ये है कि हम सब उसके सिटीजन्स हैं। यहां तक क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, एक बार चैट सेक्शन में नाच के दिखा दिया जाए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मतलब क्या है कि जैसे जो प्रशासन चलेगा, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मैनेज किया जाएगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में उसने बहुत सारे चेंजेस लाया कि कैसे देश चलाया जाए। कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 पे भी आएंगे बाबू, सब्र थोड़ा सा। आपने किस पर डिटेल लेक्चर दिया है? हर जगह डिटेल देखो, पॉइंट वाइज मैं वही कह रहा हूं कि हम रिपीटेशन क्यों करें। माना कि वो वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है, लेकिन मैंने मैग्नेट विंग्स पे भी बनाया, मैंने सोशल स्कूल पे बनाया, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां से देख लो, ठीक है। अभी ये रिवीजन करवा दे रहा हूं, सब एक पॉइंट पे आ जाएंगे। अक्टूबर से 1 तारीख से हम आगे का रोड मैप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वाई टू डू दी रिपीटेशन ऑफ वर्क, रिपीटेशन ना करते हुए हम आगे बढ़ते रहे, तुम तुम्हारे एंड पे पढ़ते रहो, मैं तुम्हें बताता रहूंगा, साथ मिलकर जीतेंगे, सबसे ज्यादा नंबर सोशल साइंस में लाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है, तो हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड, तो अब आपको यहां समझना होगा कि लोग कैसे सोच रहे थे उस समय पे, ठीक। तो लोग कैसे सोच रहे थे, तो उस समय पे सोसाइटी में एरिस्टोक्रेसी थी, उस समय पे सोसाइटी में न्यू मिडिल क्लास भी इमर्ज हो रही थी। अब ये दोनों कैटेगरीज को समझना, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगा कि इन दोनों कैटेगरीज के लड़ाई में, ठीक है, इन दोनों कैटेगरीज जैसे बोलते हैं ना सांड की लड़ाई में बागड़ का नुकसान हो गया, तो वैसे आप क्या देखेंगे कि एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बीच में जो टसल चल रही थी, उस टसल का ही आउटकम रहा, क्या? उस टसल का ही आउटकम रहा लिबरलिज्म का आइडिया, ठीक। स्टोरी लाइन चल रही है चैप्टर की, बीच में क्या आ गया, आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया। तो एरिस्टोक्रेट्स कौन है, तो जो रूलिंग क्लास के लोग, जो रूलिंग मतलब फूफा ताऊ मौसा उस टाइप के लोग जो रूलिंग क्लास के, ठीक है, रिश्तेदार मतलब रूलिंग क्लास और रूलिंग क्लास से एसोसिएटेड लोग, जिनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनके बीच में कंफ्लिक्ट है, हाँ, जिनकी आइडियोलॉजी क्या थी, जिनकी आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो एरिस्टोक्रेट्स के लोग, एरिस्टोक्रेसी जो है तो वो ये विश्वास रखते थे क्या कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाए रखें, वो रूलिंग क्लास के लोग थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे डिप्लोमेसी के पर्पज से, ऑफन देवर कनेक्टेड बाय दी मैरिटल टाइज, आपस में शादी ब्याह संबंध एक दूसरे के साथ ही करते थे वो अपनी क्लास स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। ध्यान हो तो क्लास 9 का रिकॉल करो, क्या कि मैरिया एंटोनेट कहां की थी, ऑस्ट्रिया की थी, और नेपोलियन फ्रांस का था, दोनों अलग अलग एम्पायर के थे, लेकिन दोनों के ब्याह हुए, क्यों? क्योंकि उनकी क्लास एक थी, ठीक है, वो क्लास स्टेटस मेंटेन करना, तो इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। न्यू मिडिल क्लास के लोग कौन थे, तो ये वो लोग थे जो इमर्ज हुए, ठीक है, वो कहां से इमर्ज हुए, ऊपर से नहीं, वो लोग थे जिन्होंने क्या किया, ओवरसीज एक्सपेंशन जब हुआ ना, ट्रेड हुआ, ओवरसीज ट्रेड हुआ, ठीक है, तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी निकल के आ गई, ये सारा सब कुछ, तो इस तरह से क्या है कि जो ओवरसीज ट्रेड करने गए, जिन लोगों ने पैसा कमाया तो पैसे से शिक्षा पाई, तो उनके पास में अब सोचने की क्षमता बन गई थी, तो थे ये थर्ड स्टेट के लोग, लेकिन इन्होंने आवाज उठाना चालू कर दी एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट में, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेट्स के पास पावर होते थे, मिडिल क्लास के पास राइट्स नहीं थे। सोशली क्या है कि ये मिडिल क्लास भी रिच थी, एडुकेटेड थी, और एरिस्टोक्रेट्स जो थी तो राइट मतलब कह सकते हो क्या कि पावर ओनिंग क्लास थी, जिसने अपने पास पूरी पावर रख के रखी थी। तो अब अब मैं आपको वही बता रहा हूं क्या कि यहाँ पे ये नोट्स इस तरह से बनाए कि आपको पॉइंट लिखा है वो ट्रिगर करना चाहिए किसको, स्टोरी लाइन को, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास थे और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे वो बताया। अब उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जो न्यू मिडिल क्लास थी, तो न्यू मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे, जब उन्होंने रैशनल डेवलप किया तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अनड्यू एडवांटेजेस व्हिच द एरिस्टोक्रेट्स एंजॉयड, और उसी का नतीजा था कि लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज होकर आया। गॉट इट। अब लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया क्या है? नेशन स्टेट इज द स्टेट व्हिच हैव बाउंड्रीज, या फिर हम कह सकते हैं कि नेशन स्टेट्स आर द स्टेट्स वेयर पीपल एसोसिएट देमसेल्व्स टू अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल टेरिटरी, दे हैव अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अमंग देमसेल्व्स, दे हैव कॉमन आइडेंटिटीज, ठीक है। हम एक राष्ट्र का हिस्सा है आज। कैसे? क्यों? क्योंकि चाहे कश्मीर का व्यक्ति हो, चाहे कन्याकुमारी का व्यक्ति हो, जब आपको पता चलता है कि श्रीलंका को 50 रन पे ढेर कर दिया है तो हर व्यक्ति उसी उत्साह के साथ खुश होता है। तो वी हैव अ शेयर्ड कल्चर, वी हैव कॉमन आइडेंटिटीज, वी हैव कॉमन इश्यूज इन टुगेदर। समझे? समझ गए, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम, तो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया यहां से इमर्ज हुआ। अब लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया जैसे अगर आप देखोगे तो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया क्या कहता है, देखो लिबरल नेशनलिज्म का ओरिजिन समझना। लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, आईएसम जहां लग जाए मतलब आइडियोलॉजी है। तो लिबरलिज्म की अगर बात की जाए तो लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म जैसे अगर आप देखोगे तो लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो क्या कहती है, जो ये कहती है कि एवरीथिंग शुड बी फ्री। बढ़िया है सर, ये तो फ्री इन द सेंस कि विचारों से आजादी होना चाहिए, ठीक है। आजादी होना चाहिए मार्केट में ऑपरेट करने की, आजादी होना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने की, ठीक है। तो इसका ओरिजिन अगर देखें तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी रूट, लैटिन रूट वर्ड लिबर, लिबर का मतलब होता है फ्री, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, ठीक है, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल। ये लिबरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब लिबरलिज्म को अगर आप समझें तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दो तरह से लिबरलिज्म को समझाया गया है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब ये हो रहा है कि देयर शुड बी ए गवर्नमेंट, ठीक है, अ कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब पार्लियामेंट्री बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने वाली सरकार होना चाहिए जहां पे लोग चूज कर पाए। अब देखो ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म का आइडिया है कि जहां पे लोग चाहते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट हमारे कंसेंट से हो, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई हो। और ये क्यों आ पाया लिबरलिज्म का आइडिया? क्योंकि जो न्यू मिडिल क्लास के लोग इमर्ज हुए थे उन्होंने ये देखा कि यार एरिस्टोक्रेट्स तो अनड्यू एडवांटेज, प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट बाय कंसेंट का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। फाइन, लेकिन दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको समझना है गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात कर रहे थे लेकिन सबको वोटिंग राइट देने की बात नहीं कर रहे थे। क्यों सबको वोटिंग राइट देने की बात नहीं कर रहे थे? क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि सबको अगर वोटिंग राइट दे देंगे तो विमेन को भी वोटिंग राइट मिल जाएगा, लेस प्रॉपर्टीड मैन को भी मिल जाएगा। तो वो थोड़े से क्या थे, सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को ही वोटिंग राइट देने की बात करते थे। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म हो गया। वहीं पे पैरेलल में इकोनॉमिक स्फीयर में भी लिबरलिज्म का आइडिया था, और वो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का आइडिया क्या कहता है कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट के साथ साथ में क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट भी होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ मार्केट क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि जो ट्रेडर्स वगैरह है ना, तो अब देखो मिडिल क्लास इमर्ज ही कहां से हुई थी, समझना इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने ही मिडिल क्लास को बनाया था। कैसे? इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने कैसे मिडिल क्लास को बनाया, आपको यह चीज समझना होगी, क्योंकि अगर मार्केट की फ्रीडम नहीं होती तो वो लोग जा नहीं पाते ओवरसीज ट्रेड करने, वहां से पैसा नहीं कमा पाते तो मिडिल क्लास में नहीं आ पाते। तो यहाँ पे जो न्यू मिडिल क्लास थी वो ये चाहती थी इकोनॉमिक स्फीयर में भी लिबरलिज्म होना चाहिए जहां पे दे शुड बी फ्री टू ऑपरेट इन द मार्केट, रिस्ट्रिक्शंस ना हो, स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो अगर हम समराइज करें, चलो लेट अस समराइज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म या फिर लिबरल नेशनलिज्म? तो इट इज एन आइडियोलॉजी, ठीक है, व्हिच originates from the Latin word liber which means free, ठीक है, whereby freedom of individual and equality for all is the crux of this ideology. Politically liberals believed in the concept of government by consent. Economically they want freedom of market and state imposed restrictions to be removed, ठीक है। तो ये लिबरलिज्म का क्रक्स है। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो ये लिबरलिज्म क्यों चाहिए थी, नीड इसलिए थी क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि अगर इकोनॉमिक लिबरलिज्म नहीं होगा, ठीक है, मार्केट फ्री नहीं होगा, तो एक ट्रेडर को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस पे करना पड़ेगा जिससे चीजों की कीमत बढ़ जाती थी। इकोनॉमिक लिबरलिज्म नहीं था, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नहीं था, तो कहीं पे किसी चीज का एल का मतलब कुछ और मीटर में कपड़ा होता है, कहीं पे कुछ और मीटर में होता है। तो इन सारी चीजों को रिमूव करने के लिए लोग मार्केट का फ्रीडम, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इन आइडियाज में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो क्या स्टेप्स लिए गए? तो जैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे ट्रेड जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो ट्रेड बैरियर्स वगैरह होते हैं, वो रिमूव किए जाने चाहिए। तो ज़ोल्वरिन वाज एन एग्जांपल। क्या था ज़ोल्वरिन? तो ज़ोल्वरिन प्रूशिया के इनिशिएटिव पे स्टार्ट किया गया एक ट्रेड यूनियन था, जहां पे सारे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और टैक्स वगैरह जो थे उनको रिमूव कर दिया गया। नंबर ऑफ करेंसी जहां 30 थी, तो वो इतने एरिया में 30 से नंबर ऑफ करेंसीज को रिड्यूस करके 2 कर दिया गया, ताकि लोगों को ट्रांजैक्शन में आसानी रहे। साथ ही साथ बाद में रेलवेज वगैरह का और जब डेवलपमेंट हुआ तो उससे इकोनॉमिकली लोग और यूनाइट हुए। ठीक है, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का आइडिया यहाँ पे इमर्ज होकर आया। समझ गए, ये है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। क्लियर? तो ये एक आइडियोलॉजी बताई मैंने आपको। स्टोरी लाइन चल रही है, अभी नेपोलियन आ गया पावर में 1804 में, अभी नेपोलियन 1804 से 1815 तक चलते चलते आ रहा है पैदल पैदल, और हमने बीच में एक लिबरलिज्म का आइडिया समझ लिया। गॉट इट? बताओ जल्दी से। Got it? जैकोबिन क्लब ओनली इन फ्रांस। हाँ, मतलब जैसे आप देखेंगे तो उस समय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, पॉलिटिकल क्लब्स जो है वो फ्रांस में बन रहे थे। तो जैकोबिन क्लब जो बना था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के द्वारा फ्रांस में बनाया गया था। उसके ब्रांचेस और भी जगह, अलग अलग जगह जैसे आप देखेंगे तो खुल रहे थे। बनाया गया था फ्रांस में, उसके ब्रांचेस और अलग अलग जगह बनाए गए थे। एनी डाउट? अब मैसेज आने ही बंद हो गए, बताओ। हाँ, किसी कोई संकोच, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं? ठीक है, ब्रेक देंगे अभी तुम्हें। ब्रेक का क्या करोगे? फटाफट एक एक घंटे में, एक डेढ़ घंटे में हम रिवाइज करके खत्म करते चले चैप्टर्स। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर फिर भी 1 घंटा लेगा। समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा है? मैं एकदम ठीक हूं। ठीक है, ज़ोल्वरिन क्या है? ज़ोल्वरिन वाज अ ट्रेड यूनियन स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, जहां पे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, ट्रेड ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया गया था, नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से 2 कर दिया गया था। इट वाज अ पार्ट ऑफ द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। समझ गए? एमसीक्यू भी करेंगे, रिविजन भी करेंगे, दुनिया भर की हर वो चीज करेंगे जो तुम सोच नहीं सकते हो। अभी तो शुरू किया है बस। ठीक है, अभी तो शुरू किया है बस। ठीक है, अब मजा नहीं आ रहा तो मैं क्या डांस कर दूंगा तुम्हारे लिए? बताओ। ड्यूरेशन आधा चैप्टर लगभग हाफ में पहुंच गए हम। ठीक है, 9th का आज 9th का जो क्लास है वो 8:45 पे होगा। 9th वाले बच्चे तुम तैयार रहना किस चीज के लिए? पूरा रैपिड रिवीजन करेंगे हम। चैप्टर का चैप्टर होगा हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है उसके हिसाब से ये क्लास चल रही है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम्स के हिसाब से। ठीक है, ओके। अब आता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। मैं बता रहा स्विच होता रहेगा स्टोरी और आइडियोलॉजी के बीच में। अब वापस स्टोरी पे आ गए हम। स्टोरी क्या कह रही है हमारी? स्टोरी ये कह रही है कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो मैंने बताया 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, 1804 में नेपोलियन आ गया, नेपोलिक कोड ले आया। अब 1815 आते आते नेपोलियन की कर दी पिटाई। किसने? तो नेपोलियन की पिटाई करने वाले 4 नेशंस के नाम बताएगा कोई मुझे चैट में फटाक से? ठीक है, तो PRAB पर कंट्रीज कौन सी थी? तो अब यहां पे कंजर्वेटिव्स कौन है? कंजर्वेटिव्स वो लोग जो एरिस्टोक्रेट्स थे ना, जो चाहते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टोर करके रखा जाए, चेंजेस ना आए, चेंजेस स्लोली आना चाहिए, और जो चाहते थे कि ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम जो है वो रूल करते रहे। आप PARB तो मैंने भी लिख दिया है। फुल फॉर्म बताओ दोस्त, फुल फॉर्म। ठीक है, प्रूशिया, वेरी गुड, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, शाबाश। ठीक है, तो ये सारे देश जो थे इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ठीक, और ये जो देश थे तो इन्होंने वापस कंजर्वेटिज्म को लेके आए थे, मतलब वही मोनार्कियल सिस्टम को लेके आए थे, वापस अंधकार में चले गए। तो हाउ? तो अब जैसे हम देखेंगे तो कंजर्वेटिव्स कौन है? तो कंजर्वेटिव्स आर दोस पीपल हु बिलोंग टू द रूलिंग क्लास, हु बिलीव दैट क्या होना चाहिए, हु बिलीव दैट एक तरह से जो ये विश्वास रखते थे कि ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को रिस्टोर किया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मोनार्की लाना चाहते थे वापस। और उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो रेवोल्यूशन यूरोप में स्टार्ट हो रहा था उस पर एक समय के लिए ग्रहण लगा था 1815 से 1830 तक का। ठीक है, उसका इंपैक्ट ये था कि बीच में आपको क्या देखने को मिलता है कि थोड़ा समय के लिए वापस से मोनार्क्स के पास पावर आ गई थी। और समझना, एक बार जो आजादी का स्वाद चख लेता है ना, वो फिर गुलाम बन के नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे वही हुआ कि इसका इंपैक्ट ये होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी। लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप हो रहा था, लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो रहा था। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव जो थे तो वो चेंज नहीं चाहते थे, वो स्ट्रिक्ट थे, वो एडमेंट थे। तो इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितना जब दबाया जाता है ना किसी भी रेवोल्यूशन को, किसी भी क्रांति को, उतना तेजी से फुट के बाहर निकल के आता है। तो वहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है कि कंजर्वेटिव्स जब पावर में आए तो कंजर्वेटिव्स ने एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना शुरू करा, तो जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, वो डरे हुए भी थे। और वहीं पे आपको देखने को मिलता है एक और कैटेगरी के लोग इमर्ज होकर आते हैं जिनका नाम होता है रेवोल्यूशनरीज, पढ़ेंगे इनके बारे में भी, ठीक है। तो देखो ये 5 शब्द लिखे हैं मैंने, लेकिन ये 5 शब्द मेरे लिए क्या काम कर रहे हैं, मुझे पूरी कहानी रिकॉल कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो मुझसे पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाया जाए, तो नोट्स का मतलब ये नहीं कि दे पन्ने दे पन्ने दे पन्ने पूरी आपने किताब एनसीईआरटी के कंपटीशन में एक और इतनी मोटी किताब बना दी। नोट्स का सेंस ये होता है कि वो जितने छोटे शब्द आपको जितनी बड़ी कहानी, जितना रिकॉल करवा पाए, दोज नोट्स आर दी बेस्ट नोट्स, ठीक है। समझ गए, गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि फिर रेवोल्यूशनरीज इमर्ज हुए। तो अब कंजर्वेटिव्स पावर में कहां से आए, तो वियना में नेपोलियन को हराने के बाद में, ठीक है। वियना कहां पे है, किस कंट्री में, वियना, ठीक है। तो वियना में मीटिंग होती है नेपोलियन को 1815 में पछाड़ देने के बाद में। हराने वाले देश कौन कौन से थे, हराने वाले देश जो थे तो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्ब कंट्रीज मैंने बता दी आपको। वियना ऑस्ट्रिया में, दोस्त वियना ऑस्ट्रिया में जिसका बैट होता है वो पहले बैटिंग करता है ना, तो वैसे क्या है कि वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसीलिए जो मीटिंग हुई थी वियना की, जहां पे ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है, उसको साइन किसने किया था, उसको हेड किसने किया था, इट वाज कैसे, उसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी, ड्यूक मेटरनिख दी चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई 1815 में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस लाया था, ठीक है, तो अनडूइंग ऑल दी चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप, जैसे उसने मोनार्कीज को हटाया था, तो बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया फ्रांस में ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में, ठीक है। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, तो नेपोलियन ने जितना एक्सपेंशन किया था वो सारी टेरिटरीज ले ली, फाइन। साथ ही साथ जैसे नई टेरिटरी फ्रांस से पूरी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर में जितनी एक्सपेंशन हुई थी वो छुड़ा ली गई। और सेटिंग अप ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस, जैसे आप देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड बना दिया वेस्ट में, ठीक है। जैसे रशिया को कुछ पार्ट दे दिया पोलैंड वाला, तो ये नई नई टेरिटरी सेटअप कर दी गई। मेन इंटेंशन जो था तो वो क्या था कि जितनी भी मोनार्कीज ओवरथ्रो की गई थी नेपोलियन के द्वारा, उनको रिस्टोर कर लिया। और कंजर्वेटिव्स ने अपनी फील्डिंग जमा ली कि हाँ भाई साहब सब अपने पट्टे बैठ गए हम, ठीक है। तो इस तरह का ये इंटेंशन था, ये ऑब्जेक्टिव था। ये ऑब्जेक्टिव था किसका, नेपोलियन का, समझ गए। ये ऑब्जेक्टिव था कंजर्वेटिव्स का, ट्रीटी ऑफ वियना। अलर्ट क्या कि ट्रीटी ऑफ वियना वाला क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में आता है, ट्रीटी ऑफ वियना वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द प्रोविजंस अंडर ट्रीटी ऑफ वियना, एक्सप्लेन ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, ठीक। तो किसी भी तरह से जाए सवाल क्या होता है इन दी चैट, ठीक है। 39 स्टेट्स वर लेफ्ट अनटच्ड। हाँ, तो एक चीज ये भी समझना कि कंजर्वेटिव्स चाहते जरूर थे कि ट्रेडिशनल सिस्टम को ले आए, लेकिन वो मॉडर्न चेंजेस के अगेंस्ट नहीं थे। उनको लगा, जैसे एक एग्जांपल क्या कि अगर आज के समय का जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, जो वेपन्स बनाए गए, गन वगैरह, इन गन वगैरह को आज से 500 साल पहले अगर ले जाओगे आप, और 500 साल पहले वाले राजा महाराजा वो तलवार से लड़ रहे हैं, उनको आप बोल दो कि ये भी हथियार है, तो वो बोलेंगे कि हाँ राजा रहे हम, हमारी मूंछों पे ताव रहना चाहिए। लेकिन अगर मॉडर्न हथियार आ जाए तो क्या बुराई है उसमें, ठीक है, दूर से ही मार देंगे गोली। तो वही केस यहाँ पे भी कि कंजर्वेटिव्स पावर में जरूर आ गए थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो अच्छे बदलाव लाए हैं नेपोलियन ने वो रखेंगे, बाकी रहेगी मोनार्की, समझ गए, रहेगी मोनार्की। सवाल बहरूपिया होता है, वेरी गुड। तो किसी भी तरह से आ जाए तुम्हें समझना होगा, सवाल बहरूपिया होता है। तो अब आगे बढ़े। तो अब जैसे मैंने आपको यहाँ कहानी में बता दिया कि ट्रीटी ऑफ वियना मीटिंग हुई, कंजर्वेटिव्स जो थे, तो कंजर्वेटिव्स क्या थे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सेंसरशिप, उनके अगेंस्ट में क्या लिखा जा रहा है वो सारी चीजें, लोगों के ऊपर कंट्रोल रखना, ये सब कुछ कर रहे थे। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोग परेशानी से जूझ रहे थे, और मैंने भी बताया जो जितना परेशान होगा वो उतना निखर के आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इन प्रॉब्लम्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेवोल्यूशनरीज इमर्ज होते हैं। रेवोल्यूशनरीज कौन, तो दोज हु बिलीव्ड इन दी अपरूटिंग ऑफ कंजर्वेटिव्स, जो ये सोचते थे कि कंजर्वेटिव्स को उखाड़ के फेंक दिया जाए, ठीक है, वो आते हैं। कौन है वो लोग, तो वो रेवोल्यूशनरीज है। तो वन सच रेवोल्यूशनरी वाज गुज़ेपी मज़ीनी, ठीक है। गुज़ेपी मज़ीनी बॉर्न इन जेनेवा इन 1807, फाइन, रेवोल्यूशनरी थे। बहुत सारी मतलब सीक्रेट सोसाइटीज बनाई इन्होंने। सीक्रेट सोसाइटीज का काम क्या होता था कि सीक्रेटली लोगों को इकट्ठा करना और कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में प्लानिंग करना, फाइन। तो यंग इटली मार्शलिज्म में बनाई, यंग यूरोप बनाई बर्न में। और गुज़ेपी मज़ीनी का ये मानना था, क्या उनका ये मानना था कि गॉड हैड इंटेंडेड, इटालियन यूनिफिकेशन के लिए झंडा उठाया था इन्होंने, हाँ। तो उनका यह मानना था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। जब भगवान खुद चाहते हैं कि राष्ट्र नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड रहेगी, एक जैसे लोगों का एक राष्ट्र होना चाहिए। तो कौन होते हैं कंजर्वेटिव जो हमें बांट के रखेंगे? तो इसके चलते क्या है, गुज़ेपी मज़ीनी ने आवाज उठाई और गुज़ेपी मज़ीनी ने बहुत प्रयास भी किया, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि ये अगर कंजर्वेटिव्स के सपने में आ जाते थे तो फिर कंजर्वेटिव्स को नींद नहीं आती थी रात भर, मतलब कंजर्वेटिव्स वर हैविंग फियर ऑफ हिम, ठीक है। उन्हें बहुत खतरनाक व्यक्ति लगते थे ये, और इसी के चलते जो ड्यूक मेटरनिख थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्या उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ही डिस्क्राइब्ड मज़ीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। आवर सोशल ऑर्डर मतलब कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था गुज़ेपी मज़ीनी, जो कंजर्वेटिव्स के रातों की नींद उड़ा देता था, ठीक है। तो ये कहानी है, समझ गए, ये समझना चाहिए, रेवोल्यूशनरीज हो गए। अब आगे अगर जैसे पढ़ोगे ना, स्टोरी और स्टोरी के साथ साथ आइडियोलॉजी दोनों पैरेलल चल रही है। रिकॉल करें एक बार, हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ रिकॉल, ताकि आपको कहानी यहां तक अच्छे समझ में आ जाए। तो कैसे कहानी चाहिए, नीचे ये थम्स अप नहीं दोगे मैं क्यों रिकॉल करवाऊं, ठीक है, गिव मी अ थम्स अप। तो यहां पे आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं, जैसे स्टोरी क्या चल रही है हमारी। तो स्टोरी की अगर बात की जाए, ठीक है, स्टोरी की अगर बात की जाए तो स्टोरी हमारी सिंपल चल रही है, जिसमें आपने क्या क्या देख लिया। स्टोरी की बात अगर की जाए तो आपको स्टोरी में समझ आएगा कि क्या, स्टोरी में आपको समझ में आएगा कि 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में नेपोलियन पावर में आया, नेपोलियन पावर में आया, नेपोलियन को पावर में आने के बाद में नेपोलियन को हरा दिया गया 1815 में। कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए, कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए तो कंजर्वेटिव से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो ये स्टोरी चल रही है, ठीक है, 1815 तक पहुंचे हम। अब उसी के पैरेलल में हमने आइडियोलॉजीज को भी समझ लिया। आइडियोलॉजीज में क्या पढ़ा हमने, तो उसी के पैरेलल में आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो आइडियोलॉजी में हमने क्या क्या देख लिया। आइडियोलॉजी में हमने देखा कि एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्हीं के पैरेलल में आपको क्या देखने को मिलता है कि वो कंजर्वेटिज्म के आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, ठीक है। एरिस्टोक्रेट्स कंजर्वेटिज्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। और एरिस्टोक्रेट्स या फिर कंजर्वेटिज्म के अपोज करते हुए कौन आपको देखने को मिलते हैं, लिबरल्स, ठीक है। लिबरल्स उनको अपोज करते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इन दी चैट लिबरलिज्म, ठीक है, वो लिबरलिज्म में विश्वास रखते थे। अब आप देखेंगे तो जब कंजर्वेटिज्म आता है वापस पावर में, तो इसी कंजर्वेटिज्म को अपोज करने के लिए कौन सी आइडियोलॉजी के लोग निकल के आते हैं, रेवोल्यूशनरीज। तो रेवोल्यूशनरीज भी आइडियोलॉजी पढ़ ली, रेवोल्यूशनरी की आइडियोलॉजी भी पढ़ ली, ठीक है। समझ में आया, समझ में सब आता पर आंसर नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें दवाई दूंगा, एक कोई अलग से दवाई नहीं आती इस चीज की कि आंसर नहीं लिख पाते हैं। बाबू बात सिंपल सी है क्या कि जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। पहली बार बहुत गंदा एक्सप्रेस करोगे, भगवान कसम तुम्हारा ही पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन दूसरी बार इंप्रूव करोगे, तीसरी बार गलतियों को और पकड़ना, चौथी बार और इंप्रूव करोगे। तो वो तो क्या है, मतलब ऐसा है क्या कि एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी मैंने, क्या ऐसा है, देखो अगेन, ठीक है, ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल फेल, you have to try again, then you have to try again, and one day this will change into something known as gain, ठीक है। तो बार बार प्रयास, तो प्रयास करते रहोगे, फॉर श्योर एक दिन जीतोगे। समझ गए क्या करना है। तो अगर आंसर नहीं लिख पा रहे तो इस चीज पे फोकस करना, बस सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाओ कहां पे, तो स्टोरी हमारी 1815 तक पहुंच गई थी। 1815 में न्यू कंजर्वेटिज्म आ गया पावर में और वो कंजर्वेटिव्स अब रूल कर रहे हैं। अब कंजर्वेटिव्स रूल कर रहे हैं, तो वो कंजर्वेटिव्स जब रूल कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव्स मतलब परमानेंट तो कोई नहीं होता है ना, तो कंजर्वेटिव्स जाएंगे, ठीक है, कंजर्वेटिव्स जाएंगे। कब जाएंगे, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से फिर से एक बार क्रांति या फिर कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन की चिंगारी उठती है। तो एक स्टेटमेंट है ड्यूक मेटरनिख का, कौन सा, When France sneezes, rest of the Europe catches cold. तो यहां आपको देखना होगा कि liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution. अभी conservatives power में आ गए 1815 से, और वो 1815 से रूल कर रहे हैं फ्रांस में। जैसे बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया, वो सारी चीजें कंजर्वेटिज्म की एक लहर है। रेवोल्यूशनरीज कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए, और वही रेवोल्यूशनरी सक्सेसफुल होते हैं, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रांस। इसीलिए कहा गया कि When France sneezes, rest of the Europe catches cold. तो फ्रांस में क्या होता है, जुलाई 1830 में जो पीपल ऑफ द फ्रांस थे, ठीक है, they revolted against the monarchy. कौन सी monarchy जो 1815 में रिस्टोर हुई थी, और अब monarchy से बोल दिया कि देखो राजा गले में घंटी बांध लो, नहीं तो हम हम तुम्हारे गले में कुछ डाल के रगड़ते हुए ले जाएंगे तुम्हें। तो 1830 जुलाई में क्या हुआ, 1830 जुलाई में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी गई बाय द रिवॉल्ट ऑफ पीपल। ठीक है, तो नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, सब दे दूंगा मेरा, सब कुछ तुम्हारा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी गई। अब अगर आप जैसे देखोगे तो अब क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी गई, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसीलिए तो ड्यूक मेटरनिख अंकल ने स्टेटमेंट दिया क्या कि व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो फ्रांस की इस छींक से इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, मतलब जुलाई में यहां पे ये हुआ कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, तो जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड था जिसमें बेल्जियम भी एक पार्ट था, तो बेल्जियम पार्टेड इट वेज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। ठीक है, तो बेल्जियम ने अपने आप को आजादी पाली, बेल्जियम ने आजादी पाली। सिमिलरली आप क्या देखेंगे कि पूरे यूरोप में एक रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स थे, तो ये जैसे ग्रीक का बताया गया है, ठीक है, कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ग्रीस एक कंट्री था जिसे कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन माना जाता था कि यूरोप की पूरी सभ्यता वहां से ओरिजिनेट हुई। पर दुख की बात ये थी कि उस समय वो किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। ऑटोमन एम्पायर मतलब एक इस्लामिक एम्पायर के अंडर में क्रिश्चियनिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एरिया था, ग्रीस था। तो पूरा यूरोप जो था वो सेंटिमेंट्स जोड़ के बैठा था कि क्या कि हमारा ग्रीस, हमारी सिविलाइजेशन वाला ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अंडर में कैसे, और उस ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस को आजाद करवाने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तो जैसे लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने फंड इकट्ठे किए, लड़ने भी गए, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो जाती बुखार के कारण। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ग्रीस की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो इसीलिए एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया इस टाइम पीरियड को। ठीक है, तो जो लड़ाई शुरू की जाती है, स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस स्टार्ट होती है, वो फाइनली 1832 में जाके सक्सेसफुल होते हैं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है। कोई पूछ रहा था कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है तो 1832 में साइन की जाती है। और इस ट्रीटी का आउटकम क्या निकल के आया, इस ट्रीटी का आउटकम ये निकल के आया कि इसके चलते ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ठीक है, समझ गए। तो ये एज ऑफ रेवोल्यूशन में ये मेजरली आपको बताना है कि हाँ 1830 में फ्रांस, फ्रांस से बेल्जियम, बेल्जियम से ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें चली। ठीक है, तो ये स्टोरी लाइन चल रही है, बधाई हो, हम 1832 पे पहुंच गए। अब स्टोरी लाइन के बीच में एक आइडियोलॉजी आ जाएगी, जैसे बताता हूं, जैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, तो इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में रेवोल्यूशन, लिबरलिज्म, इन सारी चीजों से ज्यादा रोमांटिसिज्म का रोल था। कैसे, रोमांटिसिज्म क्या है, रोमांटिसिज्म क्या है, तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग की अगर बात करें ना, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आया, कुछ रोमांटिसिस्ट थिंकर्स थे। ठीक है, रोमांटिसिज्म समझाऊंगा तो रोमांटिसिस्ट थिंकर्स समझ में आ जाएंगे। तो जिन लोगों का ये मानना था कि लड़ाई में, ठीक है, और कह सकते हैं मॉडर्न चेंजेस में, साइंस में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, लोगों को एकजुट किया जाए प्रेम से, भाव से, ठीक है, भावनाओं से लोगों को एकजुट किया जाए, आर्ट से, कल्चर से, पोएट्री से। तो क्या है लिबरलिज्म, लिबरलिज्म एक सिंपल सा आइडिया है, सॉरी रोमांटिसिज्म क्या है, तो रोमांटिसिज्म एक सिंपल सा आइडिया है which emphasized more on intuitions, feelings, emotions rather than science and modern developments। ठीक है, तो वो रोमांटिसिज्म का आइडिया है। गॉट इट, बताओ रोमांटिसिज्म का आइडिया। हाँ, सारे चैप्टर होंगे, हाफ ईयरली के सारे चैप्टर होंगे, तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि ये वन शॉट रिविजन चैलेंज है एक तरह से। और इसमें देखो आज 1500 बच्चे बैठ के देख रहे हैं क्लास, ठीक है, एंड आई कैन गारंटी यू पीपल कि लास्ट क्लास तक ये कम हो जाएंगे नंबर। इसमें ये नेचुरल ट्रेंड है, लोग बोलते हैं बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी उतना तत्पर ही नहीं है कंसिस्टेंसी के लिए। एफर्ट मायने थोड़ी रखते हैं, वो एफर्ट कंसिस्टेंट बेसिस पे मायने रखते हैं। तो लेट्स सी कितने लोग इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, चलाए रखते हैं 10 दिन तक, देखते हैं। और मतलब होगा ये कि इस 10 दिन में आप जिसका जो भी बैकलॉग है, जिसका जो भी रोना है, वो सब खत्म करके आप एक इवन पॉइंट पाएंगे कि 1 अक्टूबर से जब हम चीजें नहीं चालू करेंगे तो सबकी एक जैसी चालू होगी। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़े अगर, तो रोमांटिसिज्म समझ में आ गया। हाँ, अब ये रोमांटिसिज्म आइडिया था। अब पॉइंट ये आ जाता है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इस तरह से रोमांटिसिज्म का कि रोमांटिसिज्म आइडिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोमांटिसिज्म। ठीक है, हाउ द आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। तो जैसे अगर आप बताएंगे यहाँ पे क्या है, कल्चर, आर्ट और पोएट्री, स्टोरीज, इन सारी चीजों की हेल्प से क्या किया गया, नेशनलिस्ट फीलिंग को इकट्ठा किया गया। तो जैसे एक जर्मन थिंकर जोहेन गॉडफेड हर्डर जो है, तो उनका क्या कहना बनता है, वो दास वॉल्फ का आइडिया देते हैं कि जर्मन, ट्रू जर्मनी जो है तो वो लोगों में बसता है जर्मनी के, और कहीं नहीं। ठीक है, टेरिटरी में नहीं है। पोलैंड जो है, तो पोलैंड में जैसे आप देखेंगे तो कैरोल कुरपिंस्की जो थे, तो उन्होंने ओपेरा म्यूजिक और डांस फॉर्म जैसे पोलेनिस, मजूरका, ठीक है, इन डांस फॉर्म्स की मदद से लोगों को एकजुट करने की कोशिश करी। समझ में आ रहा है? तो हाउ दीज रोमांटिसिस्ट थिंकर्स फोकस्ड ऑन आर्ट, कल्चर, पोएट्री, स्टोरीज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जैसे लैंग्वेज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, तो अब क्या होता है कि रशिया ने जब डोमिनेशन कर दिया किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर, तो जो पोलैंड के लोग थे वो पॉलिश लैंग्वेज के थ्रू अपने कल्चर को जिंदा रखना चाह रहे थे, लोगों के अंदर वो भाव रखना चाह रहे थे क्या, कि हमारी भाषा हमें एक दिन आजादी दिलाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, रोमांटिसिस्ट थिंकर्स की कहानी हो गई है। ठीक है, तो ये बीच में एक आइडियोलॉजी वाला पार्ट आया रोमांटिसिज्म। कमिंग बैक टू द स्टोरी पार्ट पे अगर फिर से आए तो स्टोरी पार्ट पे हम कहां है, 1830 पे पहुंच गए थे। 1830 में क्या हो रहा था कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। लुई फिलिप को बोल दिया कि तुम राजा बने रहो, ठीक है, प्रॉपर सम्मान मिलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, सीधे सीधे नहीं चलोगे तो क्या होगा, अभी बता रहे हैं। तो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट वाला टॉपिक जो है, तो इसमें क्या हो रहा था देखना कि आप देखेंगे कि उस समय पे पॉपुलेशन बढ़ी, पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ी, फ्रांस में भी बढ़ी। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी तो लोग क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे शहरों की तरफ। शहर में आ रहे तो उनकी कोई रेड कार्पेट एंट्री नहीं होगी, शहर में आए काम ढूंढना पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ी। ठीक है, शहर में लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार है। अब बेरोजगार है इसका मतलब ये नहीं कि खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, तो अब क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा, रिसोर्सेस कम। ठीक है, तो उस रिसोर्सेस कम, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको पैरेलल में इसके आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि बेड हार्वेस्ट। ठीक है, बेड हार्वेस्ट के कारण क्या है, वैसे ही कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वैसे ही कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो फूड प्राइसेस और इंक्रीज हो गई। अब उस फूड प्राइसेस के बढ़ जाने के चलते क्या है कि देयर वाज अ वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। इंडस्ट्रीज में काम करने लोग आए थे, ठीक है, काम मिल नहीं रहा है, खाने की कमी है, फूड प्राइसेस बढ़ रही है, तो इन सारे समस्याओं के चलते वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म देखने को मिलता है, गरीबी देखने को मिलती है। और that widespread pauperism led to what? That widespread pauperism led to the revolt. अब एक चीज समझना, सिंपल है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हिस्ट्री है तो उसको पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं क्या बताता हूं कि एवरीथिंग मूव्स इन अ पैटर्न, तो पैटर्न समझो, जैसे आज अगर मान लो बहुत महंगाई बढ़ जाए, सारी चीजें हो जाए, तो लोग उसका जिम्मेदार किसको मानेंगे, सरकार को। लोग क्या करेंगे, सरकार को उठा के पटकने की पूरी तैयारी करने लगेंगे। तो वही यहां पर भी हुआ कि जब ये स्थिति खराब थी, हंगर था, हार्डशिप था यूरोप में, तो दैट रिजल्टेड इनटू द पॉपुलर रिवॉल्ट, दैट रिजल्टेड इनटू द पॉपुलर रिवॉल्ट। और किस तरह से पॉपुलर रिवॉल्ट में रिजल्ट हुआ वो तो आपको समझना होगा कि लोगों ने धावा बोल दिया राजा के महल पे। तो लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, जो उस समय राजा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, उसे समझ में आ गया कि अगर मैं यहां रुक गया तो बहुत मारेगी जनता। ठीक है, तो लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, क्यों, क्योंकि पीपल ऑफ फ्रांस वर बिहाइंड लुई फिलिप। ठीक है, तो लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली कि अब यहां से आपको भागना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि जनता तो पीछे लगी गई है। और जब लुई फिलिप भागा तो लुई फिलिप के भाग जाने के बाद में क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रह जाएगी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रह जाएगी, क्यों, क्योंकि अब क्या आ जाएगा, रिपब्लिक बन जाएगा। अब फ्रांस 1848 में आके, फरवरी 1848 में रिवॉल्ट ऑफ पुअर के चलते फ्रांस क्या बन गया, अब फ्रांस बन गया है रिपब्लिक, फ्रांस रिपब्लिक बन गया, बधाई हो। ठीक है, तो पता नहीं क्यों फ्रांस को आजाद करवाते तो अपने को बहुत खुशी होती कि चलो फ्रांस रिपब्लिक बन गया। ठीक है, मिठाई मिठाई बंटवा दो। तो लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। फ्रांस जो नेशनल असेंबली थी, तो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक, राइट टू वर्क वाज गारंटीड। मतलब जब भी कोई बदलाव आता है तो लोग बहुत सारे क्या देते हैं उसमें, वो देते हैं कि हाँ चलो फ्रांस रिपब्लिक बन गया है तो फ्रांस में राइट टू वर्क दिया जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यही हंगर हार्डशिप का एक इंसिडेंस रिवॉल्ट ऑफ वीवर्स इन सिलेशिया भी है। मतलब सिलेशिया में क्या होता है, सिलेशिया में जैसे अगर आप देखेंगे तो जो वीवर्स थे उनको जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनकी पेमेंट बहुत कम कर दी, तो सारे वीवर्स एक साथ इकट्ठे होकर कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे हमला कर देते हैं। और विलियम वोल्फ एक कह सकते हैं जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने उसका एक अकाउंट लिखा है कि किस तरह से इस टाइम पीरियड में 1845 में हो कि इस टाइम पीरियड में रिवॉल्ट्स वर वेरी कॉमन, वो चीज लिखी गई है। ठीक है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि आप जिस देखेंगे तो स्टोरी लाइन ये चल रही है कि हाँ 1830 से 48 जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है, तो उसमें रेवोल्यूशंस बहुत सारे आ रहे हैं। तो अब आपने देख लिया कि क्या अभी तक जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे तो दे वर दी रिवॉल्ट बाय पुअर पीपल इन फ्रांस, हंगर हार्डशिप के चलते। वैसे ही रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स भी देखने को मिलेगा, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो प्रॉस्परस थे, पैसे वाले थे, लेकिन जो बदलाव चाहते थे। तो फ्रांस में ये बदलाव आते देख, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, कैसे, फ्रांस में इस बदलाव को आते देख क्या होता है कि व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर रिवॉल्ट। सिचुएशन ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, रिवॉल्ट के बाद में फ्रांस में रिपब्लिक आ गया, तो बहुत सारे क्या है मिडिल क्लास के जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने भी यही सोचा, उन्होंने भी ये सोचा कि हमारे पास भी क्या है, हमारे पास में भी अगर मोनार्क रूल कर रहे हैं तो इन मोनार्क को हटाया जाए। क्या आना चाहिए? पार्लियामेंट्री लाइंस पे गवर्नमेंट बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमें राइट्स होना चाहिए। मिडिल क्लास लिबरल्स ने भी यही सोचा, ठीक है। तो इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि दीज मिडिल क्लास लिबरल्स डिमांडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। सिंपल में एक एक कीवर्ड लिखते चल रहा हूं, उस कीवर्ड से आपको कहानी रिकॉल करना। व्हाई ऑन दिस चैनल? अरे दिस इज द ओनली चैनल बाबू, ठीक है। आज से सब कुछ इसमें रहेगा, समझ गए? ये तुम लोग आपस में शेयर कर लो ना वो सारी कहानी, में बार बार चिल्लाते रहूं क्या? ठीक है। एक ऐसा स्पीकर आता हो लेकिन चिल्ला दो जोर से क्या कि जो भी है यही है और अपना यही है, ठीक है। श्री गणेश। चलो तो शुरू करें। तो अब जैसे अगर हम यहां देखें तो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स में क्या हो रहा है कि लिबरल्स ने 1848 में ये देखा कि जो बदलाव लेके आए कौन, जो बदलाव लेके आए पुअर्स इन फ्रांस, वैसा हम भी ला सकते हैं। तो दे आल्सो डिमांडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स जो थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिशियंस थे, उन्होंने बोला कि बदलाव हम भी लाएंगे। और क्या किया उन्होंने? तो अब कीवर्ड से ध्यान रखना। तो दे गैदर्ड, ठीक है, 841 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 841 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे होते हैं। दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर देयर। एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके क्या करते हैं, चचा को ले जाके कॉन्स्टिट्यूशन दे देते हैं। किसको? विलियम फेडरिक विलियम फोर को। लेकिन फेडरिक विलियम फोर जो थे, तो मतलब वो ऐसा है कि आओ मेरे गले में घट्टी बांध दो, नहीं। इतने आसानी से कोई भी राजा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एक्सेप्ट करेगा जो उसकी पावर को लिमिट कर रहा हो, ठीक है। तो आप जैसे 831, सॉरी हाँ वो इसीलिए मैंने बोला 841 शायद 31, तो वो 831 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे होते हैं। ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं एंड दे गेव द कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्रेडरिक विलियम फोर requesting him to accept the constitution and abide by the provisions of the constitution. Constitution के जो provisions है उससे abide हो जाए वो, ठीक है। तो फ्रेडरिक विलियम फोर लेकिन क्या बोलता है? फ्रेडरिक विलियम फोर बोलता है इसी के लिए तो बैठा था मैं ना कि तुम आओ मेरे गले में घंटी बांध दो ना जी ना, ठीक है। फ्रेडरिक विलियम फोर ने दूसरे मोनार्क्स को अपने साथ लेते हुए, ठीक है, इस लिबरल मिडिल क्लास के जो रेवोल्यूशन था उसको सप्रेस कर दिया। बोला घर जाओ नहीं तो लगाऊंगा एक, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेडरिक विलियम फोर ने क्या कर दिया कि वो जो रेवोल्यूशन उठ रहा था लिबरल मिडिल क्लास का उसको वहीं खत्म कर दिया। फाइन। अब इस रेवोल्यूशन में जैसे अगर आप देखेंगे सेंट पॉल चर्च के रेवोल्यूशन में विमेन भी गई थी भाई साहब, ठीक है। तो महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़ के, लेकिन उनको मेयर स्पेक्टेटर की तरह गैलरी में खड़ा कर दिया। ऊपर बोला देखो तुम ऊपर से कार्यक्रम, नीचे मत आना, कूद मत जाना, ठीक है। और उनको पॉलिटिकल राइट्स वगैरह देने की बात जो थी तो उसको उतनी गर्मी से उठाया नहीं गया, ठीक है। तो देवर ट्रीटेड एज मेयर स्पेक्टेटर्स। फाइन, ये सारी चीजें तो हो गई है। अब आप बोलेंगे कि लिबरल मिडिल क्लास का जो रेवोल्यूशन था ये सक्सेस था कि फेलियर था सर? तो आप इसको समझना अच्छे से क्या कि सक्सेस था या फेलियर। तो अब रेवोल्यूशन को सप्रेस तो कर दिया गया लेकिन मोनार्क्स को रियलाइज हो गया, खास करके ईस्टर्न यूरोप में, क्या कि साइकिल ऑफ सप्रेशन एंड रिप्रेशन जो है ना लंबे समय तक चलेगा नहीं। तो धीरे धीरे क्या है कि जैसे सर्वडम वगैरह अबॉलिश कर दिया, मोनार्क्स ने खुद चीजें लिबर्टी ग्रांट करना चालू कर दी। तो दिस वाज द केस ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। समझ में आया यहां तक? बताओ, गिव मी अ थम्स अप। यहां तक चीजें समझ में आ गई? मेरी चैट ही बंद होगी भाई साहब। हाँ, इज दिस रिकॉर्डेड? नो इट्स नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। यू आर कॉट विवेक, अफवाहें फैलाते हुए पकड़े गए हो तुम, रिकॉर्डेड नहीं बाबू ये, ठीक है। ठीक, ओके, क्लियर है सर? आपका मार्कर बहरूपिया हो गया। बहरूपिया नहीं, गिरगिट है, बदल लेता है रंग अपने कभी कभी। चलो सर, ये वीडियो डिलीट तो नहीं करेंगे? मैं मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक हूं, ठीक है। इसके लिए मुझे कोई चेकअप की जरूरत नहीं। मैं अपने मेहनत से किए गए काम को क्यों हटाऊंगा बाबू? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ तुम। कहीं और से भी डिलीट हो जाए तुम चिंता मत करना, अंडे चले जाएंगे तो मुर्गी है तुम्हारे पास, ठीक है। अभी तो तुम इधर ध्यान दो बस, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लेट अस मूव। अब हमने स्टोरी लाइन में ये देख लिया कि हाँ 1789 से 1848 तक पहुंच गए। अब इसके बाद में क्या है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि अभी तक जो यूनिफिकेशन का काम है, नेशनलिज्म का काम है, वो किसके द्वारा किया जा रहा था? पुअर पीपल के द्वारा, मिडिल क्लास के, लिबरल मिडिल क्लास के द्वारा। उसी के साथ साथ आप देखेंगे ना मेकिंग ऑफ जर्मनी इन इटली, तो आपको यहां ये देखने को मिलेगा कि जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, ठीक है, तो दे देमसेल्फ टुक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। क्यों? मतलब मैं कह रहा हूं कि राजा जो है, तो राजा खुद अब चाह रहे थे क्या कि राष्ट्र बनाया जाए। क्यों भाई साहब? उन्हें पता था हम नहीं बनाएंगे तो जनता बना देगी, और जनता राष्ट्र बनाएगी तो हमें राष्ट्र के छज्जे पे बिठा देगी। तो उन्हें समझ में आया कि यूनाइटेड टेरिटरी गिव्स देम दी मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ गए? तो वो आपको समझना होगा। रिकॉल, हाँ रिकॉल करवाऊंगा, ये जो पूरा पार्ट हो जाएगा इसके बाद में रिकॉल करवाऊंगा। तो अब आपको समझना होगा कि अभी तक हमने देखा कि अभी तक यूनिफिकेशन में पुअर पीपल, लिबरल मिडिल क्लास के लोग, ये लोग नेशनल यूनिफिकेशन या फिर नेशन स्टेट बनाने में एम्फेसाइज कर रहे थे। लेकिन द मेकिंग ऑफ जर्मनी इन इटली गिव्स अस द एग्जांपल कि अब जनता खुद, मतलब जो राजा है वो राजा खुद नेशन स्टेट बनाने का प्रयास करते। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी इन इटली, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, वो हम समझते हैं जर्मनी के केस से। तो अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव्स देमसेल्फ। ठीक है, कंजर्वेटिव्स खुद चाहते थे कि एक राष्ट्र बने। कैसे? तो जैसे जर्मनी में आप देखेंगे तो जर्मनी में लिबरल रेवोल्यूशन फेल हो गया 1848 का। उसके बाद में आप जैसे देखेंगे तो उसके बाद में क्या होता है कि विलियम वन जो है, विलियम वन भतीजे थे फ्रेडरिक विलियम फोर के। ठीक है, तो ये जब प्रूशिया के किंग बने तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी दी किसको? ऑटोवान बिस्मार्क को। ऑटोवान बिस्मार्क को तिलक लगा के बोल दिया कि जाओ ये 10 रुपए का नोट लो और जीत के आओ। ठीक है, किसको जीत के आओ? तो ऑटोवान बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयां लड़ी ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया, फ्रांस को हराया। किसने? ऑटोवान बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा के थोड़ी थोड़ी टेरिटरी छुड़ाई। तो जैसे पहले प्रूशियन एम्पायर इतना बड़ा था जिसपे प्रूशिया का रूलर रूल कर रहा था। ठीक है, तो अब फिर क्या होता है, तो प्रूशिया का रूलर रूल कर रहा था तो ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, डेनमार्क से इतनी इतनी टेरिटरी छुड़ा ली। और फिर अब जो नया प्रूशिया का एम्पायर बना वो इतना बड़ा बन गया। ठीक है, इतना बड़ा, तो ये जो बड़ा, तो इसको क्या बोल दिया था उन्होंने? जर्मनी बोल दिया कि हाँ आज से हमारा जर्मनी है। तो ये नेशनल यूनिफिकेशन इस तरह से कंप्लीट हुआ कि हाँ ये आज से जर्मनी, इतना बड़ा जर्मनी आज से। ठीक है, तो ये नेशनल यूनिफिकेशन इस तरह से हुआ जर्मनी का अंडर दी लीडरशिप ऑफ ऑटोवान बिस्मार्क। ठीक है, अब जनवरी 1871 में, जनवरी 1871 में विलियम वन जो है तो ऑटोवान बिस्मार्क ने अपना तिलक मिटा के किसको लगा दिया? विलियम वन को लगा दिया। और विलियम वन जो है तो ही वाज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर। अब ये जो इस तरह से जर्मनी बनी, ठीक है, तो इस पूरे के पूरे जर्मन एम्पायर में ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था, तो नो डाउट प्रूशिया ने डोमिनेशन रखी है। प्रूशिया का जो रूलर था विलियम वन, तो वो विलियम वन के ही प्रयासों से वो प्रूशिया जर्मनी में, जर्मन एम्पायर में कन्वर्ट हो पाया। तो अब जर्मन एम्पायर तो बन गया। अब इस जर्मन एम्पायर में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो बैंकिंग सिस्टम था, जो लीगल सिस्टम था, उन हर चीज में कौन डोमिनेट कर रहा है? उन हर चीज में डोमिनेट कर रहा था प्रूशिया। ठीक है, तो ये जर्मनी का यूनिफिकेशन इस तरह से हुआ। ध्यान रहेगा, सिंपल 4 पॉइंट है, लेकिन वो 4 पॉइंट से आपको रिकॉल करना होगा। ठीक है, तो जर्मनी, ठीक है, ये जर्मन यूनिफिकेशन हो गया। उसके बाद में इटालियन यूनिफिकेशन पे आते हैं। चैट सेक्शन में पढ़ाई लिखाई का काम करो बस। ठीक है, अब आते हैं इटालियन यूनिफिकेशन में। तो इटली की भी वही कहानी थी, क्या? स्ट्रक्चर बिफोर यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन के पहले ये, जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये इटली था, तो इटली का सार्डिनिया पिडमोंट वाला रीजन जो है, ये सार्डिनिया पिडमोंट वाला रीजन ही सिर्फ विक्टर इमानुअल 2 के अंडर में था, जो कि एक्चुअल रूलिंग हाउस था इटली का। बाकी नॉर्थ वाला पार्ट किसके अंडर में था? हिंदी चैट बताओ। ठीक है, नॉर्थ वाला पार्ट किसी और के अंडर में था, सेंटर वाला पार्ट पोप के अंडर में था, साउथ वाला पार्ट जो था तो वो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के अंडर में था। तो इस तरह से बंदरबाट लगी हुई थी। कहां पे? इस तरह से बंदरबाट लगी हुई थी इटली में यूनिफिकेशन के पहले। ऊपर वाला पार्ट किसके अंडर में था? ऑस्ट्रिया, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, स्कैटर्ड था पूरा का पूरा, स्कैटर्ड था पूरा का पूरा इटली। अब यहां पे यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी आती है, तो राजा है, राजा तो राजा है भाई साहब। तो विक्टर इमानुएल 2 ने ये देखा कि हाँ अगर यूनिफाई कर लूंगा तो मेरे पास ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। इसीलिए आपको क्या देखने को मिलता है कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स कंजर्वेटिव्स खुद मोबिलाइज कर रहे थे। तो पहले एक बार प्रयास तो किया था किसने? गुज़ेपी मज़ीनी ने, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल, वही रेवोल्यूशनरी वाले गुज़ेपी मज़ीनी। तो विक्टर इमानुएल 2 जो राजा थे उन्होंने जिम्मेदारी दी कैवियोर को। कैवियोर जो थे, चीफ मिनिस्टर कैवियोर जो थे, तो उनका फ्रांस के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। ठीक है, ही वाज अ डिप्लोमेट। ठीक है, तो उन्होंने फ्रांस की मदद से जो नॉर्थ वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया जो किसके अंडर में था, ऑस्ट्रिया के अंडर में, उसको आजादी दिलवा दी। साउथ वाले पार्ट पे क्या होता है, ये जो गुज़ेपी गैरीबाल्डी थे फाइटर थे, तो उन्होंने पीजेंट्स को अपने साथ इकट्ठा किया और सारे पीजेंट्स को इकट्ठा करवा के क्या है कि साउथ वाले पार्ट को आजादी दिलवा दी। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो है तो उसको बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन से आजादी दिला दी। और इस तरह से ऐसे यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ इटली का। कैन यू पीपल गिव मी द ईयर, किस साल में यूनिफिकेशन जो इटली का कंप्लीट हो गया? जर्मनी के पहले हुआ था बाद में हुआ था? इन दी चैट जस्ट लेट मी नो। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जर्मनी पहले आया तो लोगों को लगता है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन पहले हो गया था। 61 हाँ लड़ो लड़ो 61 71 कर रहे हैं। 61 में हुआ था पहले इटालियन यूनिफिकेशन फिर जर्मनी। वैसे अगर आप जिस देखेंगे तो एक यूनिफिकेशन का केस है ब्रिटेन का भी। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को क्या कहा जाता है? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज क्यों है? ठीक है, स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि बाकी जगह यूनिफिकेशन में से खून खराबा मारपीट, ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी ना। ब्रिटेन में वैसा कुछ नहीं था। ब्रिटेन में केस को स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सवाल ये है, व्हाई, ठीक है, व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रेंज, ठीक है, केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे का कारण यह है कि देयर वाज नो ब्लडशेड, और वो ग्रेजुअल हुआ था, इट वाज नॉट सडन अपहीवल, ठीक है। हाउ कैसे हुआ यूनिफिकेशन? तो आपको वहां देखेंगे कि पावर वाज शिफ्टेड एंड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, या फिर ब्रिटेन कहेंगे तो ब्रिटेन फॉर्मुलेट हुआ है, ठीक है। तो जैसा अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन में क्या है, जो आज ब्रिटेन है तो वो क्या है, वो एक तरह से आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, आइलैंड ग्रुप है जिसमें आपको स्कॉट मतलब अलग अलग एथनिक आइडेंटिटी देखने को मिलती है। तो जो ब्रिटिश आइल्स है, ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड जो थे तो उसमें इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट्स, आयरिश, अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते थे। एक माँ के चार बेटे, ठीक है, एक बेटा पढ़ लिख के क्या बन गया, कलेक्टर, तो बाकी तीन को दबा देगा वो, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ, क्या हुआ कि ये अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, तो इन अलग अलग एथनिक ग्रुप में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप था, वो इंग्लिश एथनिक ग्रुप जो था वो क्या हो गया, इंग्लिश एथनिक ग्रुप जो है तो वो डोमिनेट कर गया पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ग्रो कर गया। जैसे आप देखेंगे तो मैनचेस्टर में उनकी इंडस्ट्रीज ग्रो कर गई और इंडस्ट्रीज की बदौलत वो इंडिया में आ गए, ठीक है, हमें लूटपाट के ले गए, सारी चीजें, तो इंग्लिश की ग्रोथ हो गई। तो वेल्स मतलब जो वेलिश रीजन था, स्कॉटलैंड वाला रीजन था, आयरलैंड वाला रीजन था, वहां वो डोमिनेट कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि इंग्लिश में ही मतलब इंग्लैंड में क्या होता है, जो इंग्लैंड की इंग्लिश पार्लियामेंट थी ना, तो जो इंग्लैंड की इंग्लिश पार्लियामेंट थी उन्होंने राजा से प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते पावर ले ली। तो पार्लियामेंट ने 1688 में ही राजा से पावर ले ली और नेशन स्टेट बना लिया इंग्लैंड। फिर क्या होता है अगली चीज, एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 साइन करते हैं किस कौन, तो जो इंग्लैंड था, ठीक है, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ में एक्ट ऑफ यूनियन साइन कर लिया, जिसके चलते यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना दिया गया। अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गए थे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गए थे। स्कॉटिश कल्चर जो था उसके ऊपर इंग्लिश कल्चर हावी हो गया। मैंने बताया ना विद द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एथनिक ग्रुप जो कल्चर है वो इंग्लिश का डोमिनेट करेगा। सिमिलरली दी सिमिलर फीट वाज मेट बाय द आयरिश पीपल आल्सो, ठीक है। तो आयरलैंड के लोग जो थे तो उन्होंने फाइट मारी, ठीक है। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ द इंडिविजुअल हु फॉट फॉर द राइट ऑफ आयरिश पीपल, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया एक्ट ऑफ यूनियन के बाद में। फिर आयरलैंड जो है तो आयरलैंड को फोर्सिबली इंकॉर्पोरेट किया गया था इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1801, ठीक है। एट टाइम्स यूनाइटेड आयरिशमैन एंड हिज पीपल वॉल्फटोन, वेरी गुड, ठीक है, तो उन्होंने वॉल्फटोन ने फाइट करने की कोशिश करी लेकिन उनको हरा देने के बाद में फोर्सिबली इंकॉर्पोरेट कर लिया गया आयरलैंड को ब्रिटेन के साथ में। अब क्या होता है उसके बाद जैसे अगर आप देखोगे तो एक प्रोसेस के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो चीज बताई थी कि देश आजाद करवा लेना और देश को देश बना लेना दो अलग अलग चीज होती है। तो वो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी तो लाना होगा ना। तो फोर्जिंग अ न्यू ब्रिटिश नेशन, तो अब ये जो नया ब्रिटेन बना था इस नए ब्रिटेन के अंदर वो भाव लाने के लिए क्या है, अब दिखती बात है क्योंकि इंग्लिश का डोमिनेंस था तो ब्रिटिश यूनियन फ्लैग मतलब ब्रिटिश फ्लैग जो था यूनियन जैक वो डोमिनेट कर गया, सभी के लिए एक ही फ्लैग हो गया, ठीक है। स्कॉटलैंड वालों का आयरलैंड वालों के झंडे को उतार के एरोप्लेन बना दिया, ठीक है। वैसे जैसे अगर आप देखोगे तो इंग्लिश नेशनल एंथम जो था कौन सा, गॉड सेव आवर नोबल किंग, वो डोमिनेट कर गया और इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कंप्लीट हुआ। बधाई हो, मिठाई बटवा दो, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी हो गया। वी आर ऑन द लास्ट लेग ऑफ आवर चैप्टर। तो अब यहां पे रिकॉल करवा देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने चैप्टर में कहानी पढ़ी और स्टोरी लाइन पढ़ी, रिकॉल करेंगे मेरे साथ फटाफट से, ठीक है। स्टोरी लाइन हमने कहां से कहां तक पढ़ी भाई साहब, तो स्टोरी लाइन में हमने 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से चालू किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में नेपोलियन कोड को समझा 1804 में। नेपोलियन आया था तो जाएगा भी, 1815 में नेपोलियन गया, ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह वो सारी चीजें पढ़ी हमने, ठीक है। उसके बाद में क्या होता, कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए, कंजर्वेटिव्स रूल करते रहे, लेकिन कंजर्वेटिव्स आए थे तो जाएंगे भी। 1830 से 1848 तक क्या होता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन, तो जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है 1830, ठीक है, 30 में। 1848 में हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट के चलते क्या होता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको भी उठा के पटक दिया जाता है, ठीक है, और पूरी तरह से फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। पैरेलल में आपको क्या देखने को मिलता है, लिबरल मिडिल क्लास के लोग भी 1848 में रिवॉल्ट करते हैं, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला एपिसोड फेलियर रहा, ठीक है। तो ये ऐसी स्टोरी चल रही थी हमारी। इस स्टोरी में फिर आपने क्या देखा कि पीपल के द्वारा, पुअर पीपल और मिडिल क्लास लिबरल्स के द्वारा प्रयास किए गए, उन्हीं के साथ साथ क्या होता है, उन्हीं के साथ साथ कंजर्वेटिव्स के द्वारा भी प्रयास किया गया। स्टोरी लाइन, हाँ, कंजर्वेटिव्स के द्वारा भी प्रयास किया गया यूनिफिकेशन के लिए। तो कंजर्वेटिव्स के लिए कैसे प्रयास किया गया, ठीक है, कंजर्वेटिव्स के द्वारा, तो कंजर्वेटिव्स, ठीक है, कंजर्वेटिव्स के द्वारा भी जब प्रयास किया गया, तो कंजर्वेटिव्स के द्वारा कैसे प्रयास किया गया, तो जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के यूनिफिकेशन की कहानी पढ़ी हमने, इटली के यूनिफिकेशन की कहानी पढ़ी हमने, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की कहानी पढ़ी हमने, ठीक है, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की कहानी पढ़ी हमने। तो ये इतनी स्टोरी है। अब इस स्टोरी में बीच बीच में बहुत सारे फिलर्स थे, तो वो फिलर्स में क्या था, तो वो आइडियोलॉजिकल स्टैंड जो हमने देखा, ठीक है, जो हमने आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा, आइडियोलॉजिकल स्टैंड के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने क्या क्या देखा, उसमें हमने एरिस्टोक्रेसी के बारे में जाना, उसमें हमने कह सकते हैं मिडिल क्लास के बारे में जाना, ठीक है, तो मिडिल क्लास के बारे में जाना, एरिस्टोक्रेसी मिडिल क्लास के बारे में जाना। तो उनके पैरेलल में हम आइडियोलॉजीज को भी समझते चले गए। तो जैसे कंजर्वेटिज्म को समझा, ठीक है, कंजर्वेटिज्म को समझा, मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी क्या थी, लिबरलिज्म को समझा, ठीक है, और बताओ और क्या आइडियोलॉजीज पड़ी थी, मिडिल क्लास को समझा। उसी के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि हमने रेवोल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी को जाना, गुज़ेपी मज़ीनी और रेवोल्यूशनरी के बारे में जाना, फिर हमने रोमांटिसिज्म के बारे में जाना, रोमांटिसिज्म के बारे में जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ी, ठीक, ये सारी चीजें, ये आइडियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ा हमने। तो हमारा चैप्टर लगभग अब यहाँ समाप्ति पे है। अब ये जो टॉपिक है हमारा, कौन सा, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड विजुअलाइजिंग द नेशन। तो जो मैंने आपको भी जस्ट 2 मिनट पहले एक लाइन मारी थी, कौन सी वाली, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि सिर्फ देश जो है वो लड़के आजाद करवा देने से आजाद नहीं हो जाते, उसके अंदर वो भाव लाना होता है, ठीक है। सिर्फ टीचर बन जाने से टीचर नहीं बन जाते, अच्छा तो कोई भी पढ़ा देगा, ठीक है। मतलब बड़ी अच्छी बात मैं किसी के साथ डिस्कशन करा तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो बहुत अच्छा पढ़ाए, अच्छा पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, एक अच्छा टीचर वो होता है जो बहुत अच्छा सिखाए, मतलब वो सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जीवन के बारे में सिखाए, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ साथ आपको ये बताया कि आपको एक इंसान कैसा बनना है, तो वो एक अच्छा टीचर, ठीक है। तो कहां से कहां ले गया, खैर मैं उसको, कमिंग बैक टू दिस, तो देश सिर्फ आजाद कर देने से देश नहीं बन जाएंगे। देश आपको क्या करना पड़ेगा, देश आपको एकजुटता भी तो लाना पड़ेगी देश के लोगों के अंदर, तो आपको भाव भी तो पैदा करना पड़ेगा ना। तो वो भाव 10 रुपए किलो वाला कैसे लाओगे, ठीक है, तो वो भाव जो है, तो वहां पे लोगों के अंदर वो भाव लाने के लिए नेशंस को पर्सोनिफाई किया गया, ठीक है, नेशंस को पर्सोनिफाई किया गया, जैसे अलंकार होता है, ठीक है, तो वो वही कि अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे, तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि नेशंस को अलंकृत किया गया एक तरीके से, नेशंस को विजुअलाइज किया गया, विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब पर्सोनिफाई किया गया कि भारत है, तो भारत को भारत माता बताया गया जैसे। तो जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप एक फॉर्म देने लगते हो, ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप जब फॉर्म देने लगते हो, तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब आप एक फॉर्म देने लगते हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बहुत बेईमान है, क्रूर है, पापी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रावण है तू, ठीक है। तो वो क्या होगा कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप, रावण तो खैर व्यक्ति था, लेकिन जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फॉर्म देने लगते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो एलेगरी कंस्ट्रक्शन होता है। तो वैसे ही नेशंस के पर्सोनिफिकेशन में क्या किया गया, नेशंस के पर्सोनिफिकेशन के लिए एलेगरीज बनाई गई विद द हेल्प ऑफ फीमेल एलेगरी। फॉर एग्जांपल, जैसे फ्रांस के लोग जो थे, तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में, ठीक है, मैरियन जो है, तो मैरियन एक पॉपुलर फिगर बन के आई। कौन थी ये? फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने वाली महिला नहीं, ये एक तरह का ऐसा जैसे भारत माता का कॉन्सेप्ट है, तो वैसे मैरियन वाज द सिंबल ऑफ फ्रेंच पीपल, ठीक है। जैसे ऐसे पब्लिक फिगर्स जो मतलब पब्लिक स्क्वायर्स वगैरह होते थे, चौराहे वगैरह होते थे, तो वहां पे ऐसी मूर्तियां लगाई जाती थी जहां पे एक महिला होती थी, ट्राई कलर ट्राई कलर में रहती थी वो, तो जो फ्रेंच ट्राई कलर है ब्लू व्हाइट रेड, ठीक है, क्या सकते हैं, रेड कैप पहनती थी जो लिबर्टी को दर्शाता था, कोकेट लगा रहता था यहाँ पे जो हीरोइज्म को, तो वो सारी चीजें। वैसे आप जिस तरीके तो जर्मनी में जर्मेनिया की इमेज कंस्ट्रक्शन किया गया, तो फीमेल एलेगरीज इस तरह से कंस्ट्रक्ट की गई थी विच आर पर्सोनिफाइंग दी नेशंस, ठीक है। तो जर्मेनिया जो है तो ऐसी इमेज बनाई जाने लगी जहां पे क्राउन जो रहता था ओक लीफ का रहता था, ठीक है, ट्राई कलर होता था जर्मनी का, ईगल ब्रेस्ट प्लेट होता था जो कि रॉयल सिंबल को दर्शाता था, सॉर्ड रेडीनेस टू फाइट को दर्शाती थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक नंबर में ये सवाल, ठीक है, ये सिंबल्स का सवाल बनता है कि ब्रोकन चेन क्या दर्शा रही है, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, क्राउन्स विथ ओक लीव्स, सॉर्ड्स वगैरह क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रहेगी। रेड कैप आजादी आजादी, हाँ चलो बताओ मुझे, रेज ऑफ राइजिंग सन किस चीज को दर्शाता है? रेज ऑफ राइजिंग सन, जो जर्मेनिया की इमेज में आपको रेज ऑफ राइजिंग सन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पीछे से सूर्य हो रहा है, बताओ इन दी चैट। लास्ट टॉपिक, ठीक है, तो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म लास्ट टॉपिक। 9th वाले बच्चे हम मिल रहे हैं 8:45 पे, ठीक है। तो रेज ऑफ राइजिंग सन जो बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा को दर्शाती थी कि नया युग प्रारंभ, लगाओ यहां से कोई रेज ऑफ राइजिंग सन पीछे उठती हुई, ठीक है। तो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म लास्ट टॉपिक अगर जैसे समझें, तो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म क्या कहता है, मीनिंग समझो कि मेरा बच्चा मुझे है नहीं, ठीक है, तो जैसे मेरा बच्चा अच्छा, तो ये हर पेरेंट ये चाहेंगे कि सबका बच्चे अच्छे अच्छे अपने अपने मन में, तो वो नेशनलिज्म है, ठीक है, कि अपने अपने देश से सब प्यार कर रहे हैं, जैसे सबको अपना अपना देश अच्छा लग रहा, नेशनलिज्म, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े, तो अब अगर हम आगे बढ़े तो क्या होता है, जब मैं ये कहने लगूं कि मेरा ही बच्चा अच्छा है, दूसरे बच्चे सब खराब है, मतलब जब मैं ऐसा कहने लगूं कि मेरा ही देश बहुत अच्छा, ठीक है, और दूसरे के देश सब खराब है, मेरा देश दूसरों के देशों के ऊपर डोमिनेट कर जाए, तो वो क्या हो जाता है, ठीक है, तो वो इंपीरियलिज्म हो जाता है, ठीक है। अब मैंने बहुत सिंपल लूसिड एग्जाम्पल दिया है, पॉइंट बीइंग कि नेशनलिज्म मतलब कि जब नेशंस आजादी पा रहे थे, जब व्हेन देवर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस, दैट वाज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और वो नेशनलिज्म के चलते यूरोप में सारे कंट्री आजाद हुए। लेकिन जब अब सारे कंट्री आजाद हो गए, तो अब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया। फ्रांस बोलेगा कि नहीं मैं जर्मनी के से ज्यादा अच्छा हूं, जर्मनी बोलेगा कि नहीं मैं फ्रांस से अच्छा हूं। तो क्या हो रहा है कि जब nations started dominating on other nations, ठीक है, when a nation start dominating on other nations which is socially, economical and politically dominating, ठीक है, तो वो imperialism कहलाता है। समझ में आया? तो nationalism और imperialism simple सी चीज है कि the idea of nationalism या फिर the feeling of nationalism was followed by the idea of imperialism, ठीक है। तो यहाँ पे राइज ऑफ इंपीरियलिज्म देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अब राइज ऑफ इंपीरियलिज्म में एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम समझना होगा आपको कि जो उस समय पे कहानी सुना दे रहा हूं, हाँ पूरी। उस समय पे क्या था, उस समय पे यूरोप जो था, तो यूरोप का एक मेजर पार्ट वॉज अंडर दी ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो मैंने बताया आपको कि वो टर्की वगैरह वाले रीजन पे खलीफा के पावर में जो रीजन था, जो आप चैप्टर 2 में भी पढ़ते हो, ऑटोमन एम्पायर बार बार आता है, तो वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। अब ऑटोमन एम्पायर लेकिन धीरे धीरे 1870s के बाद से डिसइंटीग्रेट होते चले जाता है, तो ऑटोमन एम्पायर तो कमजोर हो रहा है, और वहां पे ऑटोमन एम्पायर के कमजोर होने से छोटे छोटे देश आजादी पा रहे थे, ठीक है। तो वो कौन से देश है, तो जो प्रेजेंट डे बल्गेरिया, रोमेनिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ठीक है, हर्जेगोविना, ये सारे देश जो है ना, तो ये सारे देश जिन्हें क्या कहा जाता था, बाल्कन रीजन कहा जाता था, ये बाल्कन रीजन वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। और ऑटोमन एम्पायर की फॉल के साथ में ये सारे देश आजादी पा रहे थे, और यहाँ के रहने वाले लोगों को स्लाव्स कहा जाता था। अब देश आजादी पा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जैसे रोमेनिया भी आजादी पा रहा है, क्रोएशिया भी आजादी पा रहा है, तो रोमेनिया और क्रोएशिया को ऐसा लगता था कि नहीं मेरी टेरिटरी ज्यादा होगी, क्रोएशिया की टेरिटरी कम होगी। पहले सब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे सारे रीजन, तो चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन अब जब वो आजाद हो रहे थे, तो नेशनलिस्ट टेंडेंसीज was dominated by imperialist tendencies, कि वो चाहते थे कि उनकी टेरिटरी बढ़े, और उसी के चलते क्या होता था कि उनके बीच में आपस में कंफ्लिक्ट होते थे। उस बाल्कन रीजन में इंटेंस एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट बन जाता है वो पूरा का पूरा, ठीक है। तो those nationalist tension after 1871 in Balkan area, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाल्कन एरिया क्या है। तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप के लोग जो थे वो अपने अपने देश को बढ़ाना चाहते थे। तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन द मॉडर्न डे, रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया एक्सेट्रा, दे फॉट अमंग देमसेल्फ, ठीक है। तो जो उनके बीच का स्ट्रगल था, स्ट्रगल अमंग दीज नेशंस आफ्टर द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। और इनकी लड़ाई में जब कौन उतर आता है, इनकी लड़ाई में जब मेजर पावर्स उतर आते हैं, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ये तो इनकी लड़ाई में जब मेजर पावर्स उतर आते हैं तो उसके चलते क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेती है। मतलब ऐसा है कि बच्चे लड़ रहे हैं तब तक ठीक है, जब माता पिता बच्चों की लड़ाई में उतर आते हैं तो फिर डंडे चल जाते हैं। वही यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो सारे देश थे छोटे छोटे देश, इनके सपोर्ट में जब मेजर पावर्स जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, ये उतर आए तो दिस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and this is how nationalism aligned with imperialism led Europe to the disaster of first world war। समझ में आ गया। अब ये nationalism और imperialism जो है तो यही, जैसे अगर आप देखेंगे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जैसे इंडिया जैसी कंट्री, तो जहां पे अभी तक कौन डोमिनेट कर रहा, ब्रिटेन के लोग डोमिनेट कर रहे थे। तो हमें समझ में आया कि भाई साहब इनके यहाँ तो आजादी नेशनलिज्म, उनके यहाँ राष्ट्रवाद, उनके यहाँ लिबर्टी और हमारे ऊपर डोमिनेशन। तो ये जो इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज थी ना यूरोप की कंट्रीज की कि यूरोप में ब्रिटेन है तो ब्रिटेन इंडिया के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, खुद नेशनलिज्म के चलते ब्रिटेन अपने आप को नेशन स्टेट बना लिया और हमारे ऊपर क्या कर रहा है, इंपीरियलिस्ट हो रहा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली डोमिनेट कर रहा है। तो उस एम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट में हमारे अंदर, हमारे देश के लोग जो थे तो वो एंटी इंपीरियलिस्ट हो गए, जैसे वायरस के अगेंस्ट में एंटी वायरस। तो हमने इंपीरियलिज्म को बोला से नो टू इंपीरियलिज्म। क्यों? ब्रिटेन हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा है और अपने यहाँ तो मॉडर्न लिबरलिज्म के आइडियाज को फॉलो कर रहा है। तो एंटी इंपीरियलिज्म लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। समझ गए? ये कहानी थी इस पूरे के पूरे चैप्टर की, जो मुझे आपको सुनानी थी और मैंने सुना के कर दिए खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के हमारे सारे टास्क कंप्लीट होते हैं। गॉट इट। कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ ज्योग्राफी के। कोई अगर सवाल है तो 4 मिनट है आपके पास। स्लेविक नेशनलिस्ट लिख सकते हुए क्या? स्लेविक नेशनलिस्ट बोल सकते हो, मतलब वो जो बाल्कन रीजन में रहने वाले लोग थे। ठीक है, तो आशा करता हूं मजा आया आज के सेशन में आपको। सेशन बड़ा था तो मैंने थोड़ा सा फास्ट रखा, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, क्या कोशिश ये रहेगी कि इसी तरह से हम फटाफट सारे चैप्टर 10 दिन में रिवाइज कर लेंगे। 10 चैप्टर बहुत होते हैं, फिर बचेंगे कितने, 8, 8.5, पौने 8 चैप्टर, 8.25, क्योंकि चैप्टर 3 तो क्या ही बचा है। क्या है चैप्टर 3 हिस्ट्री का? ठीक है, लप्पू सा चैप्टर है, टॉपिक उसमें आवे ना, 1, 2, 3 टॉपिक है बस, ज्यादा नहीं है। चैप्टर 3 जो है हिस्ट्री का, उसका इनफैक्ट मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। अक्टूबर से फिर हम वैसा रोड मैप उठाएंगे। हाँ जी भाई साहब, मुझे पता है तुम्हारे मन के अंदर भी सवाल कूद रहा होगा कि सर ये नोट्स दे देते बड़ा अच्छा होता, सर हम भी फटाफट रिवाइज कर लेते, वो वाले नोट्स तो बहुत बड़े हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फ्रैंकफुर्ट जगह है, फ्रैंकफुर्ट जगह, वहां पे पार्लियामेंट है। एलेगरी क्या होता है? जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आप एक फॉर्म दे देते तो वो एलेगरी होता है। नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्र को एकजुट करना। नाउ आई विल डू रिविजन। वेरी गुड। लिबरल वही थे ना जो चेंज चाहते थे बट आराम। कंजर्वेटिव्स वो थे जो चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें बाद में समझ में आया कि चेंज इज इनएविटेबल, तो पास्ट को रिस्पेक्ट करके चेंज लाया जाए। 9वीं थोड़ी कमजोर थी तुम्हारी बाबू, क्लास 9। अभी आ जाना अगर रिवाइज करना हो, क्लास 9 तो 8:45 पे। ठीक है, पिक्चर बेस्ड कब होंगे पहले ये तो खत्म कर लें। गुज़ेपी गैरीबाल्डी जो थे तो ही वाज द इटालियन नेशनलिस्ट जिन्होंने साउथ इटली के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा क्या? जी हाँ, पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। कल एग्जाम है मैथ्स का बट मैं एसएसटी पढ़ रही हूं। शाबाश, दैट्स द स्पिरिट। ठीक है, तो एज ऑलवेज आखिरी में 2 शब्द प्यार के, वो क्या रहेंगे कि यार थैंक यू वेरी मच। मैं कल से कमेंट्स पढ़ रहा हूं और कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में से टप टप पानी भी गिर जाते हैं कभी कभी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो ब्लैक स्लाइड पे अच्छा लगता है, चलो ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मतलब एट टाइम्स यू नो व्हाट, कि मैं हमेशा से पहले भी कहता आया क्या कि हनुमान जी को उनकी पोटेंशियल का एहसास नहीं था। जब समुद्र लांघने की बारी आई तो पूछा गया कि कौन जाएगा, समुद्र लांघ के जाना पड़ेगा, सीता माता तो उधर है और वहां पे उन्हें संदेश दे के आना पड़ेगा कि हम आ गए, चिंता मत करो, तुम्हें छुड़ा के ले जाएंगे। तो बोला कि हम तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, हम तो नहीं जा पाएंगे। तो उसी के उसके बाद में फिर क्या होता है, उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं क्या कि काचु विषाद रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, कि तुम क्या संकोच कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम चाहो तो तुम सूर्य को निगल जाओ। बचपन में तुमने सूर्य को मुंह में रख ही लिया था, तो ये समुद्र लांघना तो तुम्हारे लिए चुटकी का खेल होगा। ठीक है, तो आपकी पोटेंशियल आपको नहीं पता होती है, दूसरे लोग रियलाइज करवाते हैं। तो सिमिलरली आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ऑल दी सपोर्ट एंड लव यू पीपल हैव फॉर मी, ठीक है, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई विल रिमेन इंडेप्टेड फॉर दिस, ठीक है, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा और बहुत बेहतरीन कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इसी तरह से फोड़ते रहेंगे फाड़ते रहेंगे, ठीक। बहुत दूर जाना है अभी, मैंने वही बताया अभी तो शुरुआत है बस। तो चेयर्स टू दी फर्स्ट सेशन ऑन दिस चैनल, लेट अस टेक दी प्लेज टू, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कहां तक चलने का बोलूं, चलते रहो बस, ठीक है। क्या है इसमें, साहिल चौधरी, आई गॉट 100 इन SST दिस ईयर बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच, राइट नाउ यू आर इन 11th, ऑल द बेस्ट बाबू, माई बेस्ट विशेष फॉर यू। बच्चे निकल गए देखो 10वीं से 11वीं में, लेकिन आज भी जब लौट के आते तो यही कमाया है बस, प्यार है ये तो, है कि नहीं। थैंक यू, समझ में आ गया आज का चैप्टर। देखो अब यही रहेगा, पॉइंट ये है ना, एंटी इंपीरियलिज्म इज इक्वल टू नेशनलिज्म, यस, व्हेन यू आर हेटिंग इंपीरियलिज्म, मतलब हम ब्रिटेन की डोमिनेशन को हेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम हमारे देश से प्यार कर रहे हैं, समझ में आया। तो मैं तुम्हें क्या बताने वाला था, एक और चीज इंपॉर्टेंट, हाँ 10वीं के बच्चे जितने भी, सुनो मेरी बात, आज जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से तुम क्लास में आए हो, पढ़ रहे हो सारी चीजें, है ना, तो वो आज जो तुम उत्साह दिखा रहे हो उस उत्साह को खुश मत होने देना, ठीक है, पूरे 10 दिन पढ़ना, ताकि क्या होगा ना कि जो भी जिस भी लेवल पे, कोई रिवीजन वाले मोड पे वेल एंड गुड, कोई रिवीजन को छोड़ के उस मोड पे, किस मोड पे कि मुझे अभी मेरा बैकलॉग था तो वो सब खत्म करते हैं हम, कब, जैसे 26 तारीख को हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी लाइव वन शॉट रिवीजन वाली, 1 तारीख से अक्टूबर का वो आना चालू हो जाएगा रोड मैप, तो उसमें हम कोशिश करेंगे 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करें और फिर सब्सिक्वेंट रिवीजन, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, दन तूफान दुनिया भर की सारी चीजें, तो उसमें आप अपने आप को कैच कर पाओगे, बैकलॉग नहीं रहेगा, ठीक है। विक्टर इमानुअल का रोल क्या था, विक्टर इमानुअल राजा था भाई साहब, राजा का रोल ये होता है बस कि ये करो वो करो, मतलब ही वाज लीडिंग द यूनिफिकेशन प्रोसेस। एक बार प्रेम से हरे कृष्णा कह दीजिए, हरे कृष्णा, ठीक है। चलो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब वो कंट्रीज जिनको बाद में आजादी मिली 1950s के अराउंड, हाँ तो वो भी बता दे रहा हूं मैं, देखो हमारे 2 चैनल है, दिगराज सिंह राजपूत पे हमने शुरुआत करी है क्योंकि अभी शुरू करने के लिए था, द सोशल ब्रेन्स वाला जो चैनल है ना, तो वो द सोशल ब्रेन्स वाला चैनल, इफ यू हैव नॉट चेक्ड इट राइट नाउ, ठीक है, गो एंड चेक दी चैनल, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की भी लिंक दी है, ये तो मैं PDF वगैरह यहाँ डालता रहूंगा, और टेलीग्राम की जो लिंक दी है तो वो टेलीग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, क्या बोल रहा हूँ, टेलीग्राम के चैनल पे PDF वगैरह दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सोशल ब्रेन्स, द सोशल ब्रेन्स जो हमारा दूसरा चैनल है उसकी भी लिंक है, तो वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पिन भी कर दिया हमने। बाल्कन रीजन में कंफ्लिक्ट यूं था क्योंकि वो सारे देश इंपीरियलिस्ट हो गए थे, सब आजाद हो गए थे और सब एक दूसरे से बड़ा होना चाहते थे, ठीक है। खत्म करें, 8:45 में मिल रहा है कक्षा 9वीं, 8:45 में मिल रहा है क्लास 9th, ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो। Let us wrap up this now. Thank you for everything. तो आप हो तो हम हैं, हम आराम से बात करेंगे इन सारी चीजों पे कभी किसी दिन। अभी ध्यान रखो अपना, बाय बाय, विल सी यू एट 8:45 क्लास 9। मुझे पता है तुम्हारा टाइम थोड़ा सा ऑड है, लेकिन मैंने सोचा कि सही है कि 6 से 7, 7:30, कल के हिस्ट्री के चैप्टर थोड़े बड़े रहते हैं, कल से और चैप्टर थोड़े छोटे हो जाएंगे, तो वो है। और 10 चैप्टर में मतलब सबके चैप्टर 1, 1, 2, 2 पूरे हो जाएंगे, और टाइम टेबल है ही, टाइम टेबल मैंने आपको दे ही दिया है, तो टाइम टेबल फॉलो कर लेना, टाइम टेबल कम्युनिटी पोस्ट पे। क्लास 9 मिलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, गुड नाइट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस क्लास 10th, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।